तो स्वागत है आप सभी लोगों का, जितने भी लोग अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत, और साथ ही साथ हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज आपके सामने ये लाइव रिस्ट वॉच एनालिसिस करके दिखाएंगे, कैसे रिस्ट वॉच एनालिसिस करता है और कैसे हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, इनके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। वी ऑलरेडी हैव मोर देन 22 पार्टिसिपेंट्स लाइव राइट नाउ। सो तन्वी जी का नंबर है, अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्ट वॉच का हमने आज एनालिसिस करना चाहिए और आपकी लाइफ के बारे में आपको बताना चाहिए, तो तन्वी जी का नंबर अभी चैट बॉक्स पे आएगा। उस चैट बॉक्स पे जो आपको नंबर दिख रहा है उसको यूज करके आप उसको व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप लकी रहे और आपके ग्रह तारे आज अच्छे रहेंगे तो आज आपका नाम सिलेक्ट होगा, तो ये कमेंट में आप देख सकते हो। मीनवाइल वी हैव प्लेंटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ऋषि जी है, राजीव, बबली पंत, श्यामला जी और नलिनी रावल जी, तो इतने सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, ऑल द पार्टिसिपेंट एज वेल। और एक एक करके आप अपना अपना जो अनुभव है आपका रिस्ट वॉच को लेके, कि कैसा आपको क्या फील था और कैसे आपका अनुभव है आज तक का, उतना करते हैं। बाद में जितने भी पार्टिसिपेंट हमको देख रहे हैं उनके लिए भी हम लोग जो एनालिसिस है वो पक्का करने ही वाले। ओके, मैं शुरू करूं तो सर? यस राजीव जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और ये बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है मेरे लिए आपके साथ में स्टेज शेयर करने का। इट्स रियली एन ऑनर। और मैं पहले ग्रेफोलॉजी के जरिए आपसे जुड़ा था, और ग्रेफोलॉजी के साथ साथ जब ग्रेफोलॉजी की बारीकियाँ सीखी, हैंड राइटिंग सिग्नेचर की, तो मुझे रिस्ट वॉच के बारे में मालूम पड़ा। और ये एकदम नया सब्जेक्ट था, नया कंसेप्ट था, और बहुत ही एक्साइटिंग लगा, बहुत ही इंट्रिगिंग लगा कि क्या चीज़ है ये। और जब मैंने आपके मास्टर क्लास अटेंड करी, वहाँ पे आपने कुछ इनपुट्स दिए, तो क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन जब आपके साथ में ये क्लास करी और क्लास में रिस्ट वॉच की इफ़ेक्ट्स देखे, उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पे, हमारी हेल्थ पे, हमारे रिजल्ट्स पे, जब मालूम पड़ा, और उसको खुद हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाया और अपने क्लाइंट्स को बताया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो वो जो नॉलेज आपसे मिली थी वो और पुख्ता हो गई, वो और उसमें विश्वास हमारा और ज़्यादा बढ़ गया। तो वेल ये मैंने अपनी तो लाइफ में, फैमिली मेंबर्स में, अपने क्लाइंट्स के साथ में होता हुआ देखा है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला हो या बिजनेस सक्सेस से रिलेटेड मामला हो। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग साइंस है जिसने हमें बहुत यस फायदा दिया। थैंक यू आपने सो मच सर रिसेंट फॉर गिविंग द में साइंस विद अस। एक थैंक यू वेरी मच। तो एक रिसेंट में आपने सक्सेस स्टोरी भी शेयर किया प्रॉपर्टी के बारे में, जो यस कि सर, मेरे हिसाब से हमने यूट्यूब पे भी रिलीज किया है, तो पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू सी योर रिजल्ट्स फॉर दिस प्रॉपर्टी एज वेल। यस सर। यस मेरी एक तो क्लाइंट थी, शी इज़ अबाउट 65 ईयर्स ओल्ड, मेरठ की हैं, मिसेस प्रोमिला गोयल। तो उनके फादर की 95 ईयर्स की एज में डेथ हो गई, और वो दो प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे अपनी पीछे में। चूंकि प्रॉपर्टी नाम से ट्रांसफ़र हो नहीं पाई थी, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी प्रॉपर्टी बेचने में। फादर की डेथ को करीब 5-6 साल हो गए थे, और बीच में कोविड की वजह से और दूसरे कारणों से दिल्ली NCR में प्रॉपर्टी के रेट्स भी काफ़ी डाउन हो गए थे, तो उनके अच्छे रेट्स नहीं मिल रहे थे। देन शी कॉन्टेक्टेड मी कि राजीव, कैन यू हेल्प मी? तो आई सेड डेफिनेटली। और मैंने सिर्फ उनकी एक पर्टिकुलर वॉल क्लॉक चेंज करा के, जो 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 कॉस्ट की सिर्फ 500-600 रुपये, उन्होंने वॉल क्लॉक वो अपने घर पे लगाई और एक वॉल क्लॉक अपनी प्रॉपर्टी पे लगाई, और विद इन 15 डेज बहुत अच्छे रेट पे उनकी वो प्रॉपर्टी का सौदा हो गया, एंड विद इन 3 मंथ्स सेकेंड प्रॉपर्टी का भी और उनका राजीव सौदा जी हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रिजल्ट आपने अभी कहा है ना, जितने भी लोगों ने आज तक इस रिस्ट वॉच की इस थेरेपी को यूज किया है, जो हम लोग प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिकमेंड करते हैं, सबको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मतलब ऐसे आपने जैसे 20 किसी का 20 साल, किसी का 12 साल, किसी का 10 साल, ऐसे प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही, अड़चन में है, और अचानक से देखा कि फ्लैट जो है बिक गया, प्रॉपर्टी जो है विद इन 2-3 मंथ्स, यू नो लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो गॉट रिजल्ट इन 15 डेज, मतलब 15 दिन के अंदर भी लोगों को रिजल्ट मिल चुके। अच्छा, यस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग राजू जी। मैं बाकी लोगों को भी चाहूंगा कि संक्षिप्त में आप बताइए कि आपका अनुभव कैसे था इस चीज को लेके। तो ऋषि जी आप बोलिए कि हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस विद द रिसर्च एनालिस्ट अप टिल नाउ। गुड इवनिंग सर। द एक्सपीरियंस दैट वी हैव हैड वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब दिस इज सच अ न्यू साइंस एंड इट इज सो इफेक्टिव दैट वंस पीपल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दिस, देन दे बिलीव दैट हाउ मिराकुलस रिजल्ट्स वी कैन अचीव फ्रॉम जस्ट रिस्ट वॉचेस एंड वॉल क्लॉक्स। अमेजिंग सो अमेजिंग। मेरा मेरा भी सर एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, जो वन ऑफ द मेरे ओके क्लाइंट्स को मैंने एक उनके शोरूम में फुटफॉल बढ़ाने के लिए वॉल क्लॉक थेरेपी दिया था, एंड एक महीने में सर उनका फुटफॉल ऑलमोस्ट डबल हो गया उनके शोरूम में। वाह, कितना अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट, नाइस टू नो। थैंक यू, थैंक यू सो मच चलिए, सर। थैंक यू ऋषि जी फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल एंड वाव मोमेंट। ओके, बाकी लोग जो आए थे अभी, बबली जी बोलिए, आप आपका कैसा अनुभव था अब तक? हाँ सर, कोर्स के स्टार्टिंग में सर मेरे लिए काफ़ी सारे अमेजिंग पॉइंट्स थे।
पहले मैं अमेज होती थी सर, अब आपसे नॉलेज लेकर के मैं औरों को अमेज करती हूँ। अच्छा बात है, हाँ जी वेरी सर। सर वेरी नाइस। अभी रिसेंटली एक ऑफिस स्पेस में जाने का मेरे को मौका मिला, एंड अब हाँ हैबिट हो चुकी है सर सबकी वॉचेस ही देखने की। सबसे पहले ही नजर या तो रिस्ट पे जाएगी या दीवारों पे जाएगी, ओ तो वॉल क्लॉक देखते हुए ही उन्हें पॉइंट्स मैंने बताए, एंड ही वाज लाइक ब्लैंक फेस हो गया, पर्सन कुछ ओ बोल नहीं पाए। एंड ओके, तो एक ही मिनट, रेकी ग्रैंड मास्टर आरती जी का मैसेज है, क्या लाइव चैट हम पढ़ रहे हैं? तो यस, आपके लाइव चैट हम पढ़ रहे हैं। गीतांजलि कपूर को गुड इवनिंग, सुप्रिया जी को गुड इवनिंग, और बाकी सभी लोग जिन्होंने गुड इवनिंग विश किया उनके लिए गुड इवनिंग। हाँ यस, कंटिन्यू। हाँ जी सर। सर तो जो उनको मैंने चीज कहा कि आपने जो है ये वॉल क्लॉक आपका हेल्दी नहीं है, आपको इमीडिएटली इसे रिमूव करना चाहिए, एंड उन्होंने पेशेंटली मेरा बात सुना, क्योंकि जितने भी पॉइंटर्स मैंने उन्हें बताए वो उनसे एग्री करे, एंड उनको रिकमेंड भी करा है, और अब वेट करना है उनके आगे अच्छे रिजल्ट्स के लिए। इसी तरीके से रिस्ट वॉचेस भी कई लोगों को दिया है। ग्रेट, थैंक यू सो यस, मच थैंक सर। यू मच, थैंक यू अनिल। अच्छा, और हम जानना चाहेंगे नलिनी रावल जी से भी, कि वो भी काफी रिसेंट है स्टूडेंट। मेरे हिसाब से कितना महीना हो गया आपको सीख के नलिनी जी? सर लास्ट आई हैव डन इन जनवरी, ज्यादा जनवरी टाइम में? नहीं हुआ। ओह वाह, तो कैसा अनुभव अब तक आपका जब आप इट्स एनालिसिस कर रहे हैं अमेजिंग, आप? इट्स अमेजिंग। आई हैव व्हेन आई हैव सीन योर एड ऑन इंस्टा, आई वाज अमेज्ड कि रिस्ट वॉचेस से भी कुछ हो सकता है। सो आई थॉट कि मुझे करना चाहिए, इट्स अ ब्यूटिफुल साइंस। सो व्हेन आई वाज डूइंग एट दैट टाइम आल्सो सेम एज माय कलीग वाज सेइंग कि वी वर अमेज्ड, वी हा जहाँ भी जाते हैं हमारी एक नजर यह रहती है सबकी रिस्ट वॉच वॉल क्लॉक्स, हम लोग वो रीड करते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह हम आपने हमें नॉलेज दी है, हम जैसे ही किसी को बताते हैं दे फेल्ट लाइक अमेजिंग, दे आर शॉक्ड कि रिस्ट वॉचेस से भी इतना कुछ मालूम पड़ता है। सो आई हैव डन दिस। कहीं भी जाना मीन्स बैंक में कहीं विजिट है, लोगों के वॉल क्लॉक्स देखनी या रिस्ट वॉच देखनी और उनको बताना, वो एकदम से शॉक हो जाते हैं। ग्रेट फाइनेंशियल ग्रेट, फाइनेंशियल क्राइसिस थे कुछ बैंक के क्लर्क्स को, तो जैसे ही मैंने उनको पूछा, मैं कहा यू आर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस, दे वर शॉक्ड, दे जस्ट वॉच मी लाइक कि आपने क्या देखा, आर यू एस्ट्रोलॉजर फेस रीडर व्हाट आर यू। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा लगता है लोगों को बता के, और लोग भी बड़े शॉकिंग अमेज्ड, मतलब वाव मोमेंट हो जाता है। जैसे हम वाव मोमेंट फील करते थे आपके साथ, और वही मोमेंट हम दे पा रहे हैं, तो इट्स अमेजिंग एंड आई एम ग्रेट, ग्रेटफुल टू यू। इट्स अ बिग थिंग, आई फील आई शुड पे ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। चित्रा जी के इसमें मैसेज आया कि इवन शी हैज डन अवर बूट कैंप मास्टर क्लास, उन्होंने किया, और मास्टर क्लास में जो नॉलेज हमने उनसे शेयर किया था वो काफी लोगों को वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने थैंक यू भी कहा है। तो थैंक यू वेरी मच चित्रा जी फॉर हेल्पिंग सो मेनी वुमन्स एंड अदर पीपल हु आर नॉट सपोज टू वेयर सम काइंड ऑफ वॉचेस। तो उसको आप उनकी लाइफ से निकाल के उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस अंजलि जी, आपका कैसा था अब तक का जर्नी विद दिस वॉच? कितना कितना महीना हो गया आपको ये क्लास थैंक करके यू सीख सर। के सब नॉलेज? सर आई वाज इन 12th बैच सर। अच्छा, 12, मतलब बहुत पुरानी बैच है ये तो, करीबन एक साल, एंड दिस एक इज साल। एन अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस सर फॉर मी। आई स्टार्टेड विद ग्राफोलॉजी एज अ काउंसलर, आई वांटेड सम टूल्स विद मी एंड दिस इज अ अमेजिंग टूल आई हैव गॉट। इसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस, आई गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट, सो फॉर मी इट माय सेल्फ इट्स अ हेल्पफुल थिंग। आई गॉट कॉन्फिडेंस, मतलब वो सब भी चीजें काफी मुझे नजर आई मेरे पर्सनैलिटी में भी। ओके, रिस्पेक्ट मिला, दैट इज वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर। फैमिली में बहुत चेंजेस देखे, जैसे बेटे के एजुकेशन के लिए, हस्बैंड के जॉब में, शेयर के लिए, शेयर मार्केट में भी वो देखते हैं उसके लिए। ही आई वॉन्टेड टू हैव अ प्रॉपर्टी, जो वॉच लगाने के 3 दिन बाद वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी, वो डील अभी हो जाएगी। वाओ, एंड देन माई फर्स्ट क्लाइंट, उनके साथ जो मैंने किया, शी वॉन्टेड टू डू हर स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, शी इमीडिएटली स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज, शी इमीडिएटली गॉट क्लाइंट्स, एंड फॉरेन के भी उनके काफी क्लाइंट्स हो गए, एंड दैट इज सच ए वंडरफुल, मतलब वो जो सेटिस्फेक्शन है, यस वी गॉट दैट वाओ मोमेंट्स, एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।
और जो बिल्कुल बेटे ठीक है का आपने लग रहा सर। था दैट इज ऑल्सो, मतलब इट्स लाइक अ मिरेकल सर कि आपके पास एक टूल होता है विच यू कैन यूज एंड इमिडिएटली यू कैन फील सी द चेंजेस. दैट इज अ वंडरफुल थिंग अबाउट रिस्ट वॉच. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी नाइस। तो बहुत लोगों को अमेजिंग रिजल्ट्स है, और जो दो तीन और पार्टिसिपेंट्स है जैसे निशा जी, आपने कब किया क्लास और आपके साथ कैसे चल रहा है, हाउ इज इट हैपनिंग विथ यू? गुड इवनिंग सर. आई ज्वाइन इन द मंथ ऑफ जनवरी. रिसेंट लास्ट बैच जो हुआ था हाँ उसमें बहुत मैंने रिसेंट, किया है, बहुत करेक्ट रिसेंट करेक्ट किया. बट एडवांटेज ये मिला कि आपके सारे कोर्सेज करने के बाद में जब हम रिस्ट वॉच को देखते हैं, ये बस एक टाइम मशीन नहीं है, उसमें बहुत सारे छोटी छोटी बारीकियां है, ग्राफोलॉजी है, लोगो है, और ये सब का कॉम्बिनेशन है. तो ये सबसे डिकोड करना और किसी को भी बताना, एक नॉर्मल पर्सन के लिए रिस्ट वॉच एक टाइम देखने की मशीन है, लेकिन हम जब देखते हैं तो उसमें इतने सारी चीजें बता देते हैं. मैं भी बहुत सारे एनालिसिस किया, मैंने रिजल्ट भी आए और बहुत ही ज्यादा क्विक रिजल्ट्स है. तो ग्रेट। मैनिफेस्टेशन जो हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है, जिसकी वजह से लोग भी बहुत ज्यादा बिलीव करने लगे हैं साइंस को. और पहले जो पूछते थे कि ये कैसे काम करता है, अब उनके बारे में डिकोड करने के बाद उनको यकीन होना ही पड़ता है कि हाँ ये वर्क करता है. तो ये ऐसा अमेजिंग। चल रहा है, रिजल्ट आ रहा है. सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड जैसे भी तो है, ये बहुत क्विक हाँ रिजल्ट है. अमेजिंग, ग्रेट, वेरी नाइस। प्रियंका जी, आपके आपने कब किया और आपका कैसा अनुभव अब तक? नमस्ते सर. आई स्टार्टेड इन सितंबर. आई डिड इट इन आई वाज 13th बैच. एंड सितंबर से लेके अभी तक, इफ यू बिलीव मी, आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ मोर देन एनीवन एल्स, क्योंकि यू नो इट्स लाइक पहले अपने पे काम करना है. तो वट एवर यू सजेस्टेड, बिकॉज आई डू मोर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन क्लासेस. तो यू वट एवर यू सजेस्टेड आई अप्लाइड दैट. एंड आई थिंक आई जस्ट बाई पुटिंग दैट वन वॉच आई हैव अर्न 2 lakh rupees विद इन 2 months वाह ऑफ पीरियड. सो दैट इज वन डेफिनेटली मेजर चेंज. माई हस्बैंड हु यूज टू लाफ एट मी कि भाई ये क्या है. आई गेव हिम अ वॉच, मैंने कहा ठीक है, आई गिफ्टेड हिम, कि यू नो यू सेड वो गिफ्टिंग से जो होता है, आई गिफ्टेड हिम दैट वॉच. एंड ही गॉट अ प्रमोशन. ही ओ वॉन्टेड टू ज्वाइन अ पर्टिकुलर स्पिरिचुअल दिस थिंग सो ग्रुप. नाउ ही इज एट अ लेवल, विद इन 1 month ही इज एट अ लेवल वेर एवरी वन इज आस्किंग फॉर हिम कि वो कहाँ पे है. सो दैट ओ इज हाउ आई गिव हिम दिस वॉच. देन वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट आई हैड वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट. ही वॉज अ लिटिल बिट हाइपर, मतलब ही यूज टू गेट एंग्री वेरी फास्ट, वेरी यंग, 9 year old. So he had a watch which was not, which was co maybe that was causing him this problem. So I replaced that watch with a different color. And his mom told me that Priyanka, it has been so subtle now. They moved from UK to Switzerland, and she's like, it's so subtle a change for him now that he's able to take that change very easily. So that was the highest thing that I could say, ki if I can change one small child's life, there's nothing about more than that I वाह could. अमेजिंग। तो चलिए, एक मैं पूछना चाहूंगा कि लास्ट श्यामला जी, आप वीडियो ऑन रखिएगा, सभी लोग है ना, श्यामला जी आप भी वीडियो ऑन रखिएगा। चलो लास्ट आपका बोलिए कि आपका अनुभव कैसा था और किस तरह की चीजें आपने अब तक जो है वो अनुभव कहना की। चाहती हूँ, सब मेरा अनुभव कहना चाहती हूँ. हाँ बोलिए ना श्यामला जी। हाँ सब, मैं तो सितंबर में हो रहा था, हुआ था मेरा रिस्ट वॉच एनालिसिस. बहुत सारे लोगों को दिया, वो तो बहुत रिजल्ट आया, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव मैं बताना चाहती हूँ. मेरा तो, हमारा एक प्रॉपर्टी 7-8 years से नहीं बिक रहा था, और वो लीगल इशू भी हो रहे थे उसमें. उसके बाद लीगल तो सही हो गया, लेकिन वो अनबिलीवेबली बिल्कुल भी नहीं, चांस ही नहीं था उसको बेचने का. लेकिन कल उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया सर. ये सिर्फ आपका वाह, रिस्ट कंग्रेचुलेशन, वॉच लॉक मैंने बदल अमेजिंग दिया. हाँ, आपने अमेजिंग। जैसा बताया वो रखी थी ऐसा, इसलिए कल. और मेरा बेटी का तो बिजनेस स्टार्ट किया, इतना इतना फटाफट, इतना ज्यादा इम्प्रूव हो गया. ये तो मेरा खुद का अनुभव है सर, ये तो बताना चाहती थी मैं. थैंक यू ग्रेट सर, ग्रेट थैंक यू वेरी मच. ग्रेट, थैंक यू। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि जब आपने पहली बार हमारा हमारा जो भी XYZ फीस है कोर्स का वो सुना था, तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा था कि अरे फीस बहुत ज्यादा है? हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट बिफोर डूइंग द कोर्स? यस सर, आपको लगा लगा था. क्या? आई थिंक आपको सर लगा था, हुए एवरीवन, बबली जी को लगा था? सर सभी को लगा होगा. हाँ सर फीस तो ज्यादा था,
लेकिन ये भी विश्वास था कि जितना वैल्यू मिलेगा वो फीस की कॉस्ट से कहीं गुना ज्यादा होगा, एंड दैट वाज ट्रू। ग्रेट। तो चलिए, आप सभी लोगों के लाइफ में आपने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लिए। अब हम लोग हमारा जिस पर्पज के लिए आज हम मिले हैं उस पर्पज को सॉल्व करते हैं, और जितने भी लोग लाइव उसमें से जिन जिन लोगों का रिस्ट वॉच हमारे पास आया हुआ है, मैं तन्वी को पूछना चाहूंगा, तन्वी आर यू एबल टू टेल अस कि विच रिस्ट वॉचेस आर अवेलेबल टू एनालिस्ट, किनका एनालिसिस हम पहले ले सकते हैं, कोई है अवेलेबल ऑनलाइन जिनको हम ऐड भी कर सकते हैं और उनका रिस्ट वॉच का सब मिलकर एनालिसिस भी कर सकते हैं। तन्वी आर यू देयर? विल सी। ओके ओके, मनोज आपने भेजा है रिस्ट वॉच? ओके मनोज जी का देखते हैं, अगर हम लोगों के पास रिस्ट वॉच है तो, अगर आप लाइव हो और आपने रिस्ट वॉच तन्वी को भेजा हुआ है या हमारे ग्रुप में ऑलरेडी ऐड किया है तो आप मुझको बोल दीजिएगा, हम देखेंगे कि किस तरह से आपका रिस्ट वॉच अगर आपने शेयर किया हुआ है तो मेरे पास काफी है, मतलब हमारे पास हंड्रेड्स, मतलब इतना वार्म रिस्पॉन्स है, इतना वार्म रिस्पॉन्स है, हंड्रेड से भी ज्यादा रिस्ट वॉचेस जो है हमारे पास आज की यहाँ पे अवेलेबल है। और आप सभी लोगों को जानकर खुश होंगे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कि आप भी तक हमको मोर देन 120 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ, है ना। तन्वी जी किसका ले सकते, कोई ऑनलाइन अवेलेबल है जिसका हमने करना चाहिए, जो अवेलेबल है जो पार्टिसिपेट कर सकता है डिस्कशन में? चित्रा जी है, ठीक है, तो चित्रा जी नाम डाल दीजिए व्हाट्सएप पे जो जो अवेलेबल है ना। तो चित्रा जी का रिस्ट वॉच है, तो लेट्स सी कि क्या चित्रा जी का रिस्ट वॉच हमारे पास है। तन्वी कैन यू शेयर द रिस्ट वॉच विथ मी एज वेल, अगर आप शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे तो तुरंत हम लोग जो है उसको देख सकेंगे, इंस्टेड ऑफ लुकिंग टू हंड्रेड्स ऑफ वॉचेस इट विल बी डिफिकल्ट, है ना, बहुत सारे वॉचेस है। तो जो जो अवेलेबल है ऑनलाइन उनका वॉच भेज दीजिए और उनको इन्विटेशन दे दीजिए ताकि वो ग्रुप में ऐड हो पाए, इस मीटिंग का वो हिस्सा बन पाए। ओके तो हम लोग जो है, हाँ हाँ तन्वी वो है अभी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं उनको हम लोग। ओके तो यहाँ पे जो है 10 ही लोगों का लिमिट है और हम लोग ऑलरेडी 9 है, तो एक ही इंसान ऐड हो सकता है जो इसका हिस्सा बनेगा। तो तन्वी आई एम गोइंग टू रिमूव यू बट यू मेक श्योर दैट यू आर सेंडिंग द रिस्ट वॉच बिफोर यू ऐड समवन, ठीक है। तो मीनवाइल हाँ If it is there, we will analyze it. Okay, तो हमारे पास रिस्ट वॉच आया हुआ है, दो तीन लोग आया हुआ। Can you add that person whose wristwatch is there? और ऐसे रिस्ट वॉचेस शेयर कीजिएगा जो कि ओके चलिए रैंडम। तन्वी आर यू देयर बाय एनी चांस? तन्वी आर यू देयर? कैन यू स्पीक? चलो एक रैंडम रिस्ट वॉच लेते हैं तब तक, जस्ट टू मेक पीपल अवेयर कि ये किसका रिस्ट वॉच और ये लोग कैसे, इनके लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही है। चलो आप सब लोगों को सिर्फ हम एक रैंडम एनालिसिस कैसे हो सकता है, कैसे हम लोग किसी के बारे में बता सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा रिस्ट वॉच मैं आपके सामने रखता हूँ। लेट अस सी कि वेदर यू ऑल कैन डिकोड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ रिस्ट वॉच। अब इनका नाम तो मुझको नहीं पता, लेट मी चेक इफ यू हैव द नेम ऑफ द पर्सन। हाँ तो हमारे पास नाम आया हुआ है इस व्यक्ति का, ओके तो ज्यादातर तो लोग मुझको ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने हमारी रिस्ट वॉच थेरेपी के अनुसार ही वॉचेस भेजे हुए, मतलब हमारे स्टूडेंट का ही, स्टूडेंट ही बहुत क्यूरियस होते हैं कि क्या मैंने सही चॉइस किया है नहीं किया है। लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल अमेज। चलो ये वॉच है हमारे पास भुवन, भुवनेश इटकान नाम के कोई व्यक्ति है, उनका वॉच आया हुआ हमारे पास। लेट अस ट्राई टू एनालाइज दैट। तो आप सभी के लिए, सभी को मैं डिस्प्ले करता हूँ वॉच। ओके तो आप सभी के सामने रिस्ट वॉच, कैन यू ऑल सी द रिस्ट वॉच? क्या आपको दिख रहा है रिस्ट वॉच है क्या है? पार्टिसिपेंट आई एम आस्किंग यू। ओके यस सर। तो बोलिए आप कौन बोलना चाहेगा, किस क्या कोई क्या एनालिसिस करोगे आप? ये भुवनेश जी का रिस्ट वॉच है, क्या एनालिसिस होगा आपकी तरफ से बोलिए। हु विल लाइक टू, राजू जी आप बोलना चाहोगे? यस सर मैं कोशिश करता हूं। बोलिए। तो भुवनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप लाइव ज्वाइन किए हैं हमारे साथ में और आपने जो रिस्ट वॉच पहनी है मेरे को लग रहा है ये सोलर पैनल रिस्ट वॉच है शायद, इसमें छोटे छोटे स्क्वायर में को नजर आ रहे हैं
और काफी बड़े साइज की भी आपने डिशवॉश पहनी है। इसमें एक टेंडेंसी जो आपकी रहेगी वो ये कि आप ऐसे लोगों के साथ में अपने तालमेल बढ़ाना मेरा कहना चाहेंगे है राजू जो जी, हम लोग इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग द वॉच, इफ वी जस्ट डू द एनालिसिस, इट विल सेव द टाइम एज वेल एज द पीपल विल गेट द, क्योंकि उनको नहीं पता कि हम लोग कौन कौन सी चीजें देखते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ना, तो वी हाँ तो यस नो तो सॉरी आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छी क्वालिटी के लोगों से बर्ताव करना चाहेंगे, उनके साथ में मेलजोल बढ़ाना चाहेंगे, जो अपनी फील्ड में थोड़े से अच्छी हैं और जो वेल ऑफ लोग हैं उनके साथ में आप ज़्यादा मेलजोल बढ़ाना चाहेंगे, और जो रिजल्ट्स अपनी लाइफ में आप चाहते हैं उसके लिए भी आप काफ़ी एग्रेसिव हैं। तो ये एक बहुत बड़ी टेंडेंसी मैं देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि आप प्लानिंग भी अच्छी करते हैं, प्रॉमिस भी अच्छे करते हैं, बड़े प्रॉमिस करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ में या जो भी जहाँ भी आप काम करते हैं। ये दो तीन मेन थीम्स में आपके लाइफ में देख रहा हूँ, लेकिन एक चीज मैं और देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी आप रिजल्ट्स चाहते हैं उसके बारे में बहुत स्पेसिफिक आप शायद नहीं है कि मुझे यही रिजल्ट्स चाहिए, और जो कि इसलिए स्पेसिफिक नहीं है इसलिए आपको स्पेसिफिक रिजल्ट्स भी शायद नहीं मिल पा रहे होंगे। तो ये बहुत तीन अच्छा चार राजीव एस्पेक्ट्स जी। में बहुत प्रोमिनेंटली देख पा रहा हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। दूसरा एक अच्छा और एस्पेक्ट अब मेरे को नजर आ रहा है कि मैं इनको भी पूछना चाहूंगा राजू जी, मैं चाहूंगा कि दो तीन सेंटेंस हर एक को बोलने का मौका मिले। आई नो यू आर वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट डूइंग द एनालिसिस। और यस निशा जी, आपको क्या लगता है कि इस व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है अगर इस तरह की रिस्पॉन्स हम देखते हैं? सर, इनके जो छोटी छोटी चीजों पे ये जो बिजी हो जा रहे हैं उनके वजह से इनका फोकस मिसिंग है, और ये इसी वजह से मैनिफेस्टेशन जो इनको रिजल्ट चाहिए वो डिजायर भी इनके बढ़िया है बट रिजल्ट उस डायरेक्शन में नहीं मिल पा रहा है ग्रेट। तो आपका और कहना है बहुत ज्यादा कि बिजी है। वेरी नाइस। तो द व्यक्ति जो है अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है। प्रियंका जी, आपको क्या लगता है और मेजर जो प्रॉब्लम इनकी लाइफ का वो क्या हो सकता है? सर, मेजर प्रॉब्लम इज दैट ही इज बिजी इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे, वेरी वेरी बिजी, दो ही इज गेटिंग वट एवर ही नीड्स। आई मीन, जो अगर इनको कभी मदद की जरूरत होती है इनको डेफिनेटली मिल जाती है वेन एवर ही इज ट्राइंग टू गेट सम हेल्प। हिज एग्जीक्यूशन इज वेरी गुड बट वेन इट कम्स टू प्लानिंग ही नीड्स टू लिटिल बिट वर्क ऑन हिज प्लानिंग। एंड समटाइम्स इट हैपन्स दैट इट इज ईजी टू गिव यू नो गिव वर्ड्स टू हिज थॉट्स, ही इज डजंट एक्सप्रेस इट। But sometimes what we could say is a little bit manipulative thing is possible with him. Little bit easy to manipulate this person in his thoughts. That is what I believe. वेरी नाइस। अच्छा तो ऋषि जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि इस व्यक्ति की मतलब और क्या आप चीज बता पाओगे जिससे इस व्यक्ति के लाइफ में जो है चैलेंजेस वो सहन कर रहा है या परेशानी उनको हो रही है, सर, ये कौन सी वॉच किस देख तरह के के जो पता चैलेंज? चल रहा है कि एक उनके रिलेशनशिप में और फैमिली लाइफ में वो चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, बट एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि उनको कहीं भी वो कहीं फंसते होंगे या उनको कहीं हेल्प चाहिए होती होगी तो उनको वो अपने लाइफ में हेल्प तुरंत मिल जाती होगी। ग्रेट। तो आप लोगों ने काफी एनालिसिस किया, साथ ही साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस व्यक्ति की लाइफ में हाल फिलहाल जो है वो कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा है। इसको ये नहीं समझ रहा है कि कब कहाँ पे कैसे चीजें हमने करनी चाहिए। इट्स लाइक पीपल आर कन्फ्यूज ना, मतलब प्रायोरिटाइज जो है वो लाइफ का नहीं होता है, या साथ ही साथ उसको ये नहीं समझ में आता है कि किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो हो सकता है उसका उठने सोने का जो ढंग है वो अच्छा नहीं है, हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है। तो काफी सारी जो चीजें हैं वो चैलेंजिंग है या तकलीफ वाली है। तो कोई व्यक्ति जो है, व्हाट इज दिस पॉपिंग अप ₹100? ज्योति जी, मुझको तो नहीं पता है, बट आप देखिए कि आपके लाइफ में मतलब आपके यूट्यूब या व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है। तो मेरे हिसाब से हमारे पास जो है पहला सैंपल आया, तो क्या हम लोग निधि जी को ऐड कर सकते हैं तन्वी, बाय एनी चांस कैन यू पास ऑन दी? तो हमारे पास वॉच आया निधि जी, अगर आप ऑनलाइन हो तो जस्ट टाइप इन ऑनलाइन मतलब हाय, सो दैट वी कम टू दैट यू आर ऑनलाइन। तो हम आपकी जो वॉच हमारे पास पहुंची है, हम चाहेंगे कि आपके वॉच का एनालिसिस करना, लेकिन हम चाहेंगे कि आप ऑनलाइन भी रहे ताकि हम उसका एनालिसिस कर पाए। इफ यू आर ऑनलाइन जस्ट मेक श्योर यू दैट यू आर ऑनलाइन, मतलब जस्ट टाइप इन समथिंग। एक मिनट, समबडी इज ट्राइंग टू कम ऑनलाइन, तो मैं जो है उनको अलाउ करूंगा। हम लोगों को किसी एक को इसमें से रिमूव करना पड़ेगा। तन्वी कैन यू लीव द
meet so that other people can join as well. ओके वेंकटेश जी भी ऑनलाइन है, उनका भी अगर सैंपल हो सकता है तो देख लीजिएगा. ओके तो निधि जी जस्ट ज्वाइन ऑनलाइन इफ पॉसिबल. और दूसरा भी हमारे पास सैंपल आया है रिस्ट वॉच का, जो है अभिजीत जी का, अगर आप भी ऑनलाइन हो तो ज्वाइन कीजिएगा. मीनवाइल आपका सबका पसंदीदा फेवरेट वॉच जो है, जो काफी सारी लेडीज पहनती है, लेडीज को जो पहनना अच्छा लगता है, वो वॉच हमारे तक पहुंचा हुआ है. और वो वॉच है निधि जी का, जिसमें रोज गोल्ड कलर का वो वॉच है और बहुत ही एक स्टाइलिश काइंड ऑफ वॉच दिख रहा है ना. तो लेट अस चेक, कैन वी डू द एनालिसिस ऑफ दिस वॉच, देखते हैं. निधि हैज जॉइंड अस ऑनलाइन, सो वेलकम निधि जी, कांग्रेचुलेशन दैट योर वॉच हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द एनालिसिस. आर यू देयर? अच्छा निधि आके वापस उनका जो डिस्कनेक्ट हो गया है. ओके शिल शिल वी कैन मी कैन यू शेयर इट? हां या निधि यू आर देयर ऑलरेडी है ना, तो हम चार्ट देखेंगे कि तो आपको ये क्लास के बारे में या ये रिस्ट वॉच के बारे में कहां से पता चला? आई थिंक इन दिसंबर एंड ओके दिसंबर के एंड में आपको पता चला उसके बारे में. ओके यस आई हैव अटेंडेड बट नॉट कंप्लीटली, आई वाज बिजी इन ऑफिस सो हाफ ऑफ द सेशन. अच्छा पर आपका क्या, इट वाज जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ ऑकल्ट साइंस? जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी एक्चुअली. आई वांट टू क्विट माय आईटी जॉब एंड ओके हाँ ठीक है. तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आपके ग्रुप में भी जो है वो वॉच आ चुकी है. ठीक है उनके फिर मैं डिस्प्ले कर दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी दिखे ये वॉच, और जो लोगों ने अब तक नहीं बोला उनको हम चांस देंगे ताकि वो लोग जो है उसका एनालिसिस कर पाएंगे. आप जिनके पीछे नॉइज है कैन यू म्यूट जो लोग, हाँ प्लीज थैंक यू वेरी मच. सभी लोग म्यूट कर दीजिए जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं. आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू म्यूट योरसेल्फ. वेलकम थैंक यू. ओह थैंक यू सो मच. या आर यू एबल टू हियर मी? यस यू आर ऑडिबल राइट नाउ, यू आर ऑडिबल. मैं खाली ट्राई कर रहा हूँ कि आपकी जो रिस्ट वॉच है उसको मैं बाकी लोगों के लिए डिस्प्ले करूँ. तो जस्ट गिव मी 2 सेकंड. Yes, now it will be displayed. So participants, be ready. Ye live dynamic first in your life. You are doing this. ठीक है. Okay, तो ये इनका wristwatch है. All of you, can you see? मैं इस wristwatch को थोड़ा सा zoom सा करता हूँ. Okay, तो ये wristwatch आप कितने दिनों से use कर रहे हो? यही wristwatch आपका नहीं दीजिए correct? No, this is not my watch. This is not your watch? Okay. Let me check. अच्छा जिनके पीछे म्यूजिक चल रहा है क्या वो लोग आप बंद कर सकते हो? I learned Reiki. हाँ ओके तो क्या आपका वो रोमन नंबर वाला वॉच है आपका, रोमन रोज गोल्ड में करेक्ट वो वॉच है आपका निधि जी? No, that is not my watch, which is just you showed. The other one, there's a purple color watch. Purple color का है. अच्छा, background is purple color. Okay, okay. The belt is of leather, something like that. Leather का belt है, right? क्या आपका leather का belt है? I'm asking you. No. It's not. It's a chain. It's a purple color chain. Okay. ठीक है. Tanvi, can you help us out with the watch? Can you send that watch on the number on Tanvi again? Rajiv ji, can you mute yourself? I think some voice is coming from someone. मेरी तरफ से voice नहीं है. All of you please mute. है ना जितने भी लोगों को लग रहा है कि वो बात नहीं कर रहे आप mute पर रखेंगे तो it will help you more. Group में एक watch आया है sir शायद WhatsApp में. WhatsApp पे निधि जी का नाम लिख क्या है watch? I'm just confused. निधि जी आपका अच्छा यही तो watch आपका metal belt है और rose gold है. अच्छा प्लीज म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो.
ओके, तो आपके पीछे बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चल रहा है निधि जी, आई बिलीव देयर इज समथिंग सम म्यूजिक इन द बैकग्राउंड ऑफ योर सॉन्ग, आपके पीछे ही चल रहा है, कैन यू स्विच इट ऑफ दैट म्यूजिक? मेरे हिसाब से आपका जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर पे आपका यूट्यूब चल रहा है और यूट्यूब पे कुछ वीडियो चल रहा है उसका, उस म्यूजिक का आवाज आ रहा है हमको मेबी। हेलो, हाँ नाउ इट इज गॉन, नाउ इट इज गॉन, ओके फाइनली we have received your wristwatch. Where's the watch? I am not able to see that. हाँ, तो मेरे हिसाब से ये आपका wristwatch है, right? यही आपका? Is this the one? क्या आप देख पा रहे हो? Hold on, hold on. Just a minute, guys. अरे निधि जी, आपका कलर तो याद होगा ना आपको, कौन सी कलर की वॉच है आपकी? आर यू ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू यू? यस यू आर ऑडिबल टू मी। हाँ, तो आपको तो आपका वॉच तो याद रहेगा ना, रोज गोल्ड कलर का है ना वॉच, राइट? इट्स अ पर्पल कलर वॉच। नहीं, लेदर नहीं, लेदर नहीं है, चेन है, पर्पल चेन है। पर्पल चेन, ठीक है। तो आप ना वापस से एक बार उनको भेजिएगा, क्योंकि हमको निधि नाम से तो यही वॉच आया है। ओके, और ठीक, तो मैं निधि जी, मैं आपको थोड़ा सा इसमें से रिमूव करता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप जो है इनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। मीनवाइल अभिजीत जी का एक वॉच है हमारे पास, उस वॉच को लेते हैं। अभिजीत जो है वो भी ऑनलाइन है, लेट मी सी क्या हम लोग अभिजीत जी की वॉच को ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तन्वी, हाँ ठीक है। कभी कभी क्या लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि उन्होंने कौन सी वॉच भेजी है कौन सी नहीं भेजी है, तो इट इज ओके, मतलब उन्होंने दोनों वॉच, शायद दो वॉच उन्होंने भेजी थी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, आपके सामने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये जो अलग तरह का वॉच है जो अभिजीत जी का भी आने वाला है, सो ऑल ऑफ यू बी रेडी, इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंजिंग वॉच जो आपको अभी दिखेगा, चैलेंजिंग इन द सेंस इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉच व्हिच यू डोंट सी यूजुअली। ओके, ओके अभिजीत जी, वेलकम टू द शो लाइव रिसर्च एनालिसिस। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कब जाना था रिसर्च के बारे में, कब आपको पता चला कि रिसर्च एनालिसिस नाम से कुछ चीजें जो है हमारे, हम रन करते हैं, हम बताते हैं, हम सिखाते हैं। सो सेकंड, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सेकंड जैन को आपका एक रिसर्च का वो प्रोग्राम था, वो मैंने ज्वाइन किया था। आपके पीछे काफी नॉइज है, क्या आप वो दरवाजा वगैरह बंद करके नॉइज को कम कर सकते हैं बाय एनी चांस? सो इन के तो उसमें मैंने देखा था कि रिस्टवॉच एनालिसिस कुछ होता है, तो दैट वाज फर्स्ट टाइम आई जॉइंड। करंटली आई एम यूजिंग दिस वॉच एंड वेयरिंग इट ऑन राइट हैंड, वो भी आपकी आपकी एडवाइस से मैंने राइट हैंड पे पहनना शुरू किया। तो क्या बदलाव देखा आपने आपकी लाइफ में जब आप राइट हैंड पे पहना, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव? मुझे उसमें से जो भी याद है वो इसमें रेड कलर है, तो वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और आपके बदलाव के बारे में बात कर रहा हूँ कि किस तरह का बदलाव आपने अपनी लाइफ में देखा? तो मैं थोड़ा ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हुआ हूँ पहले से ज्यादा, तो ये मेरी एक चेंज है। ओके तो कौन करना चाहेगा इस वॉच के बारे में, कौन पहला प्रेडिक्शन करना चाहेगा? अभिजीत जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आप जो भी बोलोगे वो डायरेक्टली सुनेंगे, बताएंगे, आपको फीडबैक, लाइव फीडबैक रहेगा। यस अंजलि जी बोलिए, क्या क्या बोलना चाहते हैं? सर, इनके एक तो इनके दो सर्कल्स हैं जिनके साथ, तीन सर्कल्स हैं बेसिकली, फैमिली सर्कल एक है, एजुकेशन का इनका एक सर्कल। अंजलि जी आप एनालिसिस पे फोकस कीजिएगा, वॉच तो हमको सबको दिखता है ना, तो जो आपको दिख रहा है, जो आपको समझ रहा है वो आप बोलिएगा ज्यादा, तो डायरेक्टली दे कैन गिव द फीडबैक, है ना? उनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, मुझको भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, फीडबैक की जरूरत है उनको। रिलेशंस को ये बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं, इनका
ये टाइम देना चाहते हैं थिंकिंग में, इनका डेली रूटीन फिक्स्ड है। ओके वेरी नाइस, दो तीन एनालिसिस लेंगे सबसे, बाकी लोगों को भी चांस देंगे। तो अभी जी जिनका कहना है कि आप जो है कभी भी किसी भी जगह पे जब आपका संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, उसको सबको संभाल के लेके जाने की आपको आदत है, और दूसरा आप बहुत ऑर्गेनाइज हो अपने पूरे दिन भर की एक्टिविटी में, तो इस बात से आप कितना सहमत हो? रिलेशन की बात है वहाँ पे सही है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज हूँ, लेकिन उतना ऑर्गेनाइज हो नहीं पाता हूँ somehow। ओके तो लेकिन वो माइंडसेट ऐसा है कि यू वांट टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, माइंडसेट ऐसा है, मैं चाहता हूं कि वैसा होना चाहिए, हर चीज टाइम पे होनी चाहिए, मैं चाहता हूं वैसा। तो आपकी वॉच में वो प्रेजेंटेशन है जहां पे दिखता है कि द पर्सन वांट्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड, और देखो जहां पे इच्छा होती है वहां पे ही चीजें मैनिफेस्ट होती है, तो ये शुरुआत है। उसमें थोड़ी ऐसी चीजें है जिसके कारण क्या हो रहा है इस वॉच में कि आपकी मैनिफेस्टेशन को वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, मतलब व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू आर गेटिंग इट्स नॉट हैपनिंग। बट सबसे बड़ी बात इस वॉच में मैं बताऊंगा, मतलब बाकी लोगों को चांस देते रहता हूं मैं, तो मैं बताऊंगा ये सबसे सबसे अच्छी वॉच इस वॉच में सबसे अच्छी बात ये है कि आपका एक ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो आपको बहुत सारी ग्रोथ के लिए मदद करता है, मतलब यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु आर एबल टू मास्टर माइंड थिंग्स, यू नो कि कैसे ग्रो करना है, कैसे क्या करना है, कैसे हमारा जो है लाइफ और बेहतर हो सकता है, तो उस चीज को लेके आप बहुत सारे ऐसे लोगों से जुड़े हुए। तो कहाँ है ये गुरु आपका, क्या ये वर्क प्लेस पे है या घर पे है? नहीं वर्क प्लेस, आउटसाइड है, मतलब आउटसाइड सर्कल है, और उसी फ्रेंड ने मुझे ये वॉच गिफ्ट में दी हुई है। वाओ, तो ये जो लोग आप जिनसे जुड़े हुए हैं ना, वो लोग बड़े अमेजिंग हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, तो एवरी सिंगल वेरी एक्सपर्ट विद द नॉलेज, व्हाट एवर नॉलेज दे हैव, जो भी स्ट्रीम में काम करे उस नॉलेज को बहुत अच्छा, बहुत अच्छे है वो लोग, और साथ ही साथ ये लोग बहुत ज्यादा बिजी है उस नॉलेज को और बेहतर करने में भी, राइट और उसी की वजह से शायद मैंने आपका दूसरा भी ज्वाइन किया हुआ है वो ग्राफोलॉजी में। अच्छा, यू आर ऑलरेडी अ स्टूडेंट अभिजीत अपने। हां यस यस, आई एम लर्निंग। तो ये रिस्ट वॉच इस चीज के लिए तो अच्छा है कि आपको ना उस उन उन लोगों को वो पास में लेके आता है आपके, और बुरा इसलिए है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इसमें मेहनत की बहुत सारी टेंडेंसीज है, बहुत मेहनत की टेंडेंसीज है कि व्यक्ति जो है बहुत एफर्ट लेगा, बहुत परिश्रम करेगा, लेकिन उस परिश्रम को जो जस्टिफिकेशन होना चाहिए या परिश्रम का जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो इस रिस्ट वॉच में नहीं है। तो आप बहुत मेहनती हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, एफर्ट्स बहुत ले रहे हो, और एफर्ट्स लेते समय आप प्रिकॉशन ले रहे हो कि एफर्ट्स भी अच्छे क्वालिटी के रहे, तो क्वालिटी ऑफ एफर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एफर्ट्स का जो रिजल्ट आना है वो उतना अच्छा नहीं। राइट राइट राइट, तो ये वो जो है ना एक दो प्रॉब्लम इस रिस्ट वॉच में इस तरह की है। सो थैंक यू अभिजीत जी फॉर ज्वाइनिंग अस, ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च था। बचे हुए लोग कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज आपको कहनी है तो यू कैन टेल, नाउ ही इज स्टिल देयर विद अस। सर कैन आई से? हां हां बोलिए बोलिए। अभिजीत जी, ये वॉच मुझे ये भी बताती है कि आप जनरली आप कम बोलते हैं, यू टॉक लेस विद पीपल, यू आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। हां वो भी एक बात है। Yes, great. And great this also tells me that you are very good with executing things. Oh, okay. वैसे अभी शुरू हुआ है. After changing the hand. Yes. Great. Yes. Great. चलो, thank you very much for joining us, अभिजीत जी. तो आशा करते हैं कि आप बहुत जल्द हमारे साथ हमारा जो actual course है उसमें भी join करेंगे और बहुत ज्यादा knowledge आप खुद भी लेंगे और अपनी life को बदलेंगे। और साथ ही साथ हम लोग, निधि जी क्या आपने अपना वॉच आइडेंटिफाई कर लिया है? वाज यू एबल टू, क्योंकि हमको जो फीडबैक आया है तन्वी से वही आया कि यही आपका रिस्ट वॉच है, तो आर यू देयर स्टिल और यू आर लेफ्ट? निधि जी आर यू देयर? तो शी हैज गॉन। ओके, तो और कोई जो व्यक्ति है जो अपना वॉच हमसे एनालिसिस करवाना चाहता है, तन्वी जी कैन यू शेयर मी एनी अदर, और कैन यू इन्वाइट समवन एल्स एज वेल इन द मीटिंग? तो अच्छा, निधि जी वापस भी आई है, एक बार पूछ लेते हैं उनसे। हाँ, तो आपका जो रिस्ट फाइनल हुआ यही है या दूसरा है? या तन्वी हैज कंफर्मड, या दैट इज द ओनली कंटेंट, मतलब वो किसका रिस्ट जॉब एनालिसिस करो, आपको अपना रिस्ट नहीं पता? नहीं, एक्चुअली मुझे दिखा ही नहीं, मैंने मेरे को लगा शायद दिख ही नहीं रहा था कौन सा आप एनालिसिस कर रहे हो। अच्छा, मैंने आपको कलर तो कह दिया था। सी, मैं आपको वापस से डिस्क्राइब करता हूं, मैं रिस्ट वॉच डिस्प्ले भी करता हूं और उसको मैं डिस्क्राइब भी करता हूं। तो आपका जो रिस्ट वॉच है रोज गोल्ड कलर का है, रोमन नंबर में 12 और 6 लिखे हुए, बैकग्राउंड बेल्ट सभी चीजें जो है
वो रोज गोल्ड कलर की ही है। ठीक है, मैं वापस से बाकी लोगों के लिए भी ये वॉच को डिस्प्ले करता हूँ। ये वॉच आपको इस तरह से दिख रहा है, यही वॉच है ना आपका? करेक्ट, ठीक है, यस राइट। हाँ फाइनली। तो यही हमने डिस्प्ले किया था। ओके, तो संक्षिप्त में बिना मतलब डायरेक्टली एनालिसिस करना है हम लोगों को, और बहुत अच्छा वॉच है, बहुत इजी वॉच एनालिसिस करने के लिए। निशा जी, क्या आप शुरुआत करोगे इसको, इस वॉच को लेके? यस सर। दो निधि तीन जी आप, क्वेश्चन यस है। यस जी, यस निधि जी आप अपने फिटनेस को लेके आप वीकली प्लानिंग करते हैं क्या? ऐसा है कि आपको हर दिन क्या करना है फिट रहने के लिए? यस, आई इज टेक केयर ऑफ माई हैबिट। या तो इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा निशा जी, तो क्या आप वैरायटी ऑफ वर्कआउट करते हो? मतलब वर्कआउट में भी काफी सारी जो है वेरिएशन, जैसे जिम होता है, रनिंग होता है, कभी योगा होता है, या आई डू प्राणायाम। पिलाटेस, आई डू योगा, मींस जो मुझे करेक्ट, फिट बैठ जाए आई डू दैट। और हाँ, इट्स तो देयर नॉट इज, और हर कुछ सिस्टमैटिक नहीं है, जब भी मेरा जो मन करता है आई डू एज रोज पर कुछ ना कुछ नॉर्म। होता हाँ, जरूर है, हर रोज कुछ ना कुछ होता जरूर कुछ है। ना कुछ एक्टिविटी, लाइक आई एक्टिविटीज चलती रहती है, लाइक कभी मैं पियानो हाँ बजा रही हूँ, कभी मैं कथक कर रही हूँ, कभी मैं स्केच कर रही हूँ, कभी मैं ड्राइंग कर रही हूँ, कभी मैं पेंट कर रही हूँ। सो कुछ ना कुछ आई यूज टू डू हेल्थ तो वाइज भी और निशा एक्टिविटी मेरे, निशा जी आपने सही एनालिसिस किया, उसमें एक मैंने ऐड कर दिया कि वो वाइज। वैरायटी यस ऑफ सर, वर्कआउट का भी बताता है, जो आपको समझ गया अभी, है ना? राइट ठीक, जी फैंटास्टिक। जी बिल्कुल। ओके, और तो निधि जी, आपको लग्जरी को लेके आपको बहुत ज्यादा इच्छा होती है, और कि ये आपको स्पेसिफिक ये चाहिए, और आपको प्रेजेंटेबल रहना बहुत पसंद है, इज इट? हाँ, लेकिन लग्जरी के मैं बहुत ज्यादा ग्राउंडेड इंसान हूँ, एक्सट्रीमली ग्राउंडेड हूँ। आई थिंक मेरे को लगता है कि मेरा बर्थ ही सिर्फ देने के लिए हुआ है, तो आई अर्न ऑल्सो एंड आई गिव टू अदर्स ऑल्सो, माई हार्ड थिंग्स ऑल्सो, आई जस्ट हेल्प अदर्स, आई लव टू हेल्प इनका अदर्स। कहना, मैं निशा जी की कहने को थोड़ा सेंटेंस को, अभी क्या उन्होंने लास्ट बैच ही किया है, तो मैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करता हूँ। उनका कहना ये है कि आपके लाइफ में जो कंफर्ट है, जो कंफर्ट आप चाहते हो, वो कहीं ना कहीं से आ ही जाता हाँ, आई गॉड ब्लेस मी अ लॉट, आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू डिवाइन, एक्सट्रीमली कनेक्टेड टू गॉड। है। वेरी नाइस, इवन थैंक यू, थैंक यू अभी फॉर योर। अभी अभी इधर आने के लिए भी मैंने जस्ट बोला आई वांट टू ज्वाइन, एंड इमीडिएटली तन्वी पिंगड एंड आई आई एंटर्ड। सो माय मैनिफेस्टेशन इज हाईली स्ट्रांग। हाईली फॉर यस लग्जरीज एंड ग्रेट लाइफ। और आपका जो, आप किसी भी ग्रुप में भी जाते हो तो आपको ना बहुत जल्दी लोग आसानी से रिकॉग्नाइज करते हैं, आपसे बातें करते हैं ना, देर इज लॉट ऑफ इंटरेक्शन हुई ना। मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि नॉट आप किसी अनजान जगह पे भी गए और आपको रिकॉग्निशन नहीं मिला, है ना? रिकॉग्निशन हर जगह पे मिलेगा आपको। इवन नॉट इवन ह्यूमंस, इवन एनिमल्स ऑल्सो, इवन वाह, काउ, डॉग, एनी काइंड ऑफ एनिमल, दे टू मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी, दे कम वेरी क्लोज टू मी एंड दे वॉन्ट मी टू नो लव देम। नॉट इवन द फूड, दे जस्ट वॉन्ट माई टच, लाइक अ हीलिंग इफेक्ट। आई लर्न रेकी, बट आई एम स्टिल लर्निंग रेकी। सो अमेजिंग। people, humans, animals, everyone attracted naturally towards me. Sometimes I have to protect my own aura. यस प्रियंका जी, कुछ कहना चाहोगे आप? एनी एनी एनालिसिस यू वांट टू ऐड टू द व्हाट? एक ही एनालिसिस करिएगा, 10 लोग हैं, 10 लोगों को चांस मिलेगा हर एक कोई का। यस प्रियंका जी, वन थिंग व्हिच यू वांट टू टेल अबाउट निधि जी टू हर। Sir, she is very good at learning. She wants to grab everything. I mean, whatever she learns, she is very particular about that learning. She wants to, go to the very depth of that learning. Though sometimes it happens, she has a feeling that, she's not able to utilize her learning to the complete satisfaction of hers. She really is, everything is there, but when she wants to execute that thing, that satisfaction is still missing in her to get that proper knowledge ka jo use hai. She is not able to do that. If I want, I can say more. नहीं, but one बाकी लोगों को is. चांस देते हैं एक एक। और यस, हमारे जो चैंपियंस है वो काफी हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो 3 लोगों को चांस देता हूँ मैं, तीनों के हाथ दिख रहे हैं मुझको। यस राजू जी बोलिए, एक सेंटेंस, एक एक एनालिसिस। अरे राजू जी, आर यू देयर? आपका आवाज नहीं आ रहा, आर यू ऑन म्यूट? म्यूट है, म्यूट पे, सॉरी मैं यस। म्यूट कर रहा। हाँ हाँ सर, म्यूट। निधि जी के साथ में इस वॉच में मुझे बहुत अच्छी बात नजर आ रही है कि अपने सेल्फ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, और उस इमेज को, उस ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका जो सेल्फ इमेज है लोगों के सामने वो बहुत अच्छा है। इनका जो एक पर्सोना है, एक जो वो है, उसमें काफी एफर्ट्स भी लेते हैं,
और वो काफी अच्छी इमेज लोगों के सामने अपने प्रेजेंट कर पाते हैं, बहुत उस पर अच्छी। उसके बारे में कॉन्शियस भी हैं काफी। हालांकि आपने निधि कॉन्शियसली करती, इट्स नेचुरली हो जाता है वो। ने इट कम्स निधि जी ने नेचुरली ऑलरेडी टू इस यू। बात को कंफर्मेशन दिया है राजीव जी, पहले ही उन्होंने बोल दिया कि ऐसा उनका हर जगह पे रिकॉग्निशन होता है। वेरी नाइस, गुड एनालिसिस। यस ऋषि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक एनालिसिस यस जो सर, आप पॉइंट बनाए। निधि जी आपका वॉच मुझे ये बता रहा है कि यू आर वेरी ओपन टू पीपल, मतलब पीपल यू अलाउ पीपल टू कम एंड टॉक टू यू, मतलब दे कैन कम एंड इंटरैक्ट विथ यू एट एनी टाइम। Yeah, वेरी I'm a very big problem solver. I can sort out everyone's problem except sometimes mine only. ग्रेट एनालिसिस Yes. जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा अंजलि जी बोलिए, एक एक सेंटेंस आपकी तरफ से। सर ये निधि जी जितना भी प्रॉमिस करेंगे उतना प्रॉमिस उतने में एफर्ट्स डाल के जितना प्रॉमिस किया है उतना वो डिलीवर कर देंगे। वाह वेरी नाइस। तो निधि जी इनका कहना है कि आप, मैं इनके इसको थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ, इनका कहना है कि आप कभी भी किसी को कोई शब्द देते हो, बोलते हो, तो वो बहुत एक बार बोलोगे नहीं कि मैं करूंगी या करूंगा, लेकिन जब आप बोलोगे तो वो पक्का करोगे, बिना बिना कंफर्मेशन के कि आपके साथ आपसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप किसी को जल्दी हाँ नहीं कहते हो, ये इनका कहना है। हाँ, आई एम वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट टू हुम आई शुड अलाउ, वेरी क्लोज टू मी आई वेरी पर्टिकुलरली अबाउट, जिनसे मुझे सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आई जस्ट अलाउ दोज पीपल। यस आई यस हेल्प एवरीवन इफ दे कम टू मी एंड इफ आई कमिट समथिंग आई मेक श्योर आई डू दैट। लाइक ट्रस्ट ग्रेट पीपल आर टू मच, इफ आई से समथिंग पीपल ट्रस्ट मी एंड बिकॉज दे नो शी विल डिलीवर व्हाट शी इज सेइंग। बहुत अच्छा। चलिए बबली जी लास्ट एनालिसिस कह दीजिए। थैंक यू सर। सर निधि जी जो है काफी सेंसिटिव भी है, लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं ये इनके लिए काफी मैटर करता है, इज इट नो राइट निधि जी? नो आई एम हाईली सेंसिटिव एंड हाईली इमोशनल, दैट्स ट्रू, बट आई एम नॉट वरिड अबाउट व्हाट पीपल थॉट। इफ दे थिंक पॉजिटिव इट्स ओके, इफ दे थिंक नेगेटिव इट्स ओके, आई डोंट केयर अबाउट इट हाँ बिकॉज जी, आई नो उनका जो नेचर ना दिस। आउट गोइंग है, ये उतना ज्यादा नहीं परेशान होते कि बाग, मतलब इसलिए तो किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर लेते हैं, है ना। हाँ, अगर परेशान होने लगी तो बस हो गया, फिर तो मैं इतनी सारी चीजें कर ही नहीं सकती लाइफ में जो मैं करना राइट चाहती हूँ। तो आई डोंट केयर अबाउट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, बस मेरा मन खुश है, भगवान खुश है, आई एम जस्ट डू व्हाट आई लाइक। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस निधि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आई विल जॉइन योर कोर्स एंड सून यू गाइस विल बी माय टीममेट्स नाउ। यस, थैंक यू। सो ओके चलिए आगे की वॉच की तरफ जाते हैं। बहुत अच्छा एनालिसिस किया आप लोगों ने, और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, जो हमने सीखा है उसको स्टिक कीजिएगा टू द पॉइंट, वो जो हमने सेंटेंसेस यूज किए हैं वही यूज कीजिएगा। ऋषि जी मुझको आपका एनालिसिस बहुत पसंद आया, आपने उस इंफॉर्मेशन का जो हमने सीखा है उसको इतने सही तरीके से इस्तेमाल किया, वेरी नाइस, है ना। थैंक यू सर। तो आप सीखिए ऋषि जी से, और बाकी मतलब जो हमने सीखा है उसको एक बताने का, आपने देखा कि किस तरह से जब मैं बताता हूँ वही चीज होती है जो आपको सबको पता है, राइट। आपने जैसे निशा जी जो आपने एनालिसिस किया था, वही एनालिसिस को मैंने सिर्फ वो शब्दों में थोड़ा सा इस तरह से बताया कि उनको भी मजा आए और आपको भी मजा आए, तो मजा आए सामने वाले को। ये ख्याल रखिएगा जो हमने सीखा है कि कैसे बोलना है, आप एक मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली बोलते हो तो बहुत ही ब्लंट एनालिसिस होता है, अगर उस एनालिसिस को करते समय थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करेंगे उसी चीज को, एक रिलेटेबल फॉर्म में बोलेंगे तो लोग ज्यादा मजा, मतलब लोगों को ज्यादा मजा आएगा। मेरे हिसाब से लग्जरी का भी जो मैंने बात किया, आप यू गॉट टू नो ना कि मैंने जो बोला और आपने जो बोला उसमें थोड़ा सा अंतर था, सर चीज वही थी जो आपने बोलना चाहते थे, आपने जो बोला और तो उसमें थोड़ा सा, और देखिए जैसे ऋषि जी ने किया वैसे बाकी लोग भी, राजीव कर रहे ऋषि कर रहे, तो वैसे मेक श्योर दैट यू ऑल हैव दैट फ्लेवर। चलिए और एक नया एनालिसिस लेते हैं। तन्वी जी कैन यू टेल अस विच इज द न्यू पर्सन, नया आदमी कौन है जिसका एनालिसिस हमने करना चाहिए? आर यू देयर बाय एनी चांस तन्वी? कैन यू सेंड अस अ न्यू सैंपल एंड कैन यू ऐड दैट पर्सन एज वेल इन द ग्रुप सो दैट वी कैन फोकस ऑन द एनालिसिस? अच्छा बाकी लोग वीडियो ऑन रखिएगा, सभी लोग आपको देख रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइज मिल रहा है, यू गाइज आर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ रेस्ट वॉच थेरेपिस्ट। तो ये बहुत, अभी तक देखो हजारों लोगों ने इसको देख चुका है, अब तक थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव वॉच दिस वीडियो, सो थाउजेंड लोगों तक आपका नाम पहुंचा है, आपका काम पहुंचा है ना। सो लेट अस चेक वेदर वी हैव अ न्यू ओके। तो क्या जो लोग यहाँ पे है अभी ऑनलाइन, अगर आप लोग देख रहे हो और आप अगर आप तो ओके तन्वी कैन यू शेयर दी न्यू पार्टिसिपेंट लिंक एंड एज वेल एज दी, मतलब उसको लिंक शेयर करके हम क्या वॉच भेज सकते हो हम? यस सर।
यस प्लीज डू इट थैंक यू सो प्लीज आस्क एकता टू मैसेज मी ओके एकता जी तन्वी जी चाहती है कि आप उनको मैसेज करें और उनसे कांटेक्ट कीजिए ताकि आपका वॉच यहां पे डिस्प्ले हो जाए और आपका एनालिसिस हम सभी लोग मिलके करें एकता इफ यू आर लिसनिंग यू कांटेक्ट द तन्वी और जो भी लोग सीख रहे हैं अभी देख रहे हैं वो भी तन्वी को कांटेक्ट कीजिए तन्वी इज द वन हु इज कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग कि वहां से रिश्वत जाती है हमारे पास आपका नाम आता है आपको ग्रुप में ऐड करती है तो शी इज द डायनामिक लेडी राइट नाउ एंड शी कैन हेल्प यू अलॉट ओके सो मीनवाइल तो आप लोग जो है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो कि मतलब ऐसा एक तो पहली बात जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो 100% जो सीखा है वो करेक्ट है याद रखो तो कहते समय कॉन्फिडेंस जो है जैसे मैंने पहले भी कहा था कॉन्फिडेंस से एनालिसिस कीजिएगा सब लोग क्योंकि आप सही कर रहे हो है ना एवरीबडी इज डूइंग अ करेक्ट एनालिसिस एनालिसिस किसी का भी गलत नहीं है सिर्फ कहने का अंदाज जो है वो प्रैक्टिस कर और बेहतर होते जाएगा ओके तो ओके सो तन्वी जी को कॉन्टेक्ट कीजिए जितने भी लोग अपना अपना एनालिसिस करवाना चाहते हैं आप तन्वी जी का नंबर आपके पास है नहीं है तो तन्वी जी का नंबर तन्वी कैन यू पुट योर नंबर एज वेल इन द ग्रुप या तन्वी जी का नंबर भी आ जाएगा आपके पास ओके तो कैसे लग रहा है आपको इतना है? मतलब आप सभी लोग अपना अपना जो फीलिंग है इमोशंस है अभी जो जिस पहली बार आपने सबके सामने लाइव एनालिसिस किया कुछ लोगों के आवाज में डर दिखाई दे रहा था मुझको तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ यस निशा जी से चालू करो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है सर बहुत अच्छा लग रहा है इट्स अ लर्निंग प्रोसेस और लाइव आने आपके साथ में आपके अंडर में आपके सुपरविजन में हम कर रहे हैं डर तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी बट ये है कि जो भी हमने सीखा है वो नॉलेज हमारे पास में है एंड ऑफ कोर्स कैसे बोलना है किस अंदाज में बोलना है वो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस धीरे धीरे वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा बबली जी आपका कैसे आपको उन्होंने ना बोल दिया तो हाउ आर यू फीलिंग नहीं नहीं सर ये चीज मैं क्लास में आपसे भी जानी हूँ कि कई लोग सामने से ना बोल देंगे क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जो आपने अभी अभी पॉइंट बोला है कि आपको बात रखना सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो चीज का words. हाँ जी yes. Yes, राजू जी आप कुछ कह रहे थे नहीं सर आपके साथ में लाइव एनालिसिस करना इट्स ए ग्रेट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग ऑल्सो फॉर अस चूंकि हम समझ तो लेते हैं लेकिन कैसे बात को प्रेजेंट करना है कि जो हम भी या सामने वाला भी है वो उसको रिलेट कर सके अपनी लाइफ में होते हुए वो एक आर्ट है जो हमें अभी सीखनी है वेरी नाइस तो वही आर्ट है एनालिसिस तो साइंस तो आप सभी को आता है कि कैसे आप रिजल्ट दे सकते हो कैसे किसी का पैसा बढ़ा सकते हो कैसे इनकम बढ़ा सकते हो तो वो सभी चीजें तो आपको बाय डिफॉल्ट आती ही है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो हम अभी सीख रहे हैं वो दैट इज हाउ टू मेक श्योर दैट पीपल आर गेटिंग द फील ऑफ इट कि ये कैसे वर्क होता है तो इस बीच हरीश जी ने हमको ज्वाइन किया तो हरीश जी का अगर मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास हरीश जी का वॉच है तो तन्वी कैन यू शेयर द वॉच ऑफ हरीश जी विथ अस तो आपने अगर हरीश जी का वॉच भेजा हुआ है ओके तो मैं उनको ऐड करता हूँ ग्रुप में यस हरीश जी वेलकम टू द डिस्कशन मेरे हिसाब से आपका वॉच जो है वो टाइटन का है am I right? कि टाइटन का वॉच आपने शेयर किया यस सर यस सर ओके चलिए मैं आपका वॉच जो है बाकी लोगों के डिस्कशन के लिए डिस्प्ले कर देता हूँ इनवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये कोर्स के बारे में या हमारे बारे में कहाँ से पता चला और क्या क्या चीजें जो है आपने अब तक सुनी है इस कोर्स को लेकर या सर मैंने लास्ट मंथ में आपका जो कोर्स था वो यूट्यूब पे मुझे लिंक शेयर हुई थी मैं रैंडमली बैठा था मेरे एजुकेशनल या फिर मेडिटेशन से रिलेटेड मैं देखता रहता हूँ वीडियोस तो उसी दौरान मुझे वो लिंक आया था तो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया कि न्यू साइंस है और मैं एक्चुअली हीलिंग फर्टर्निटी से बिलोंग करता हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें सीखने और वो चीज़ का इंटरेस्ट था ही और ये मुझे थोड़ा यूनिक और नया कंसेप्ट लगा वास्तु से रिलेटेड और मैं सीख ही रहा था तो ये मुझे उसी में ऐड ऑन कर गया और मुझे सीखना है ये चीज़ आपसे और जो आपका फ्री लाइव सेशन था वो मैंने उसी दौरान अटेंड भी किया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसी दौरान फिर मैंने अपने जो कुछ बताए थे वो चीज़ें राइट हैंड में क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड में यूजुअली पहन रहा था अपना वॉच और मेरा स्क्वायर डायल का था तो मैंने वो राइट हैंड में पहनना शुरू किया तो मुझे वो एक डायनामिक एक्शन वाला ओरिएंटेड वाला चीज़ पर्सनली फील भी हुआ फिर मैंने स्विच भी किया था लेफ्ट और राइट हैंड में और मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है तो मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आए उस दौरान
और मुझे अच्छा लगा कि मैं नेक्स्ट टाइम जैसे भी आपकी बैच अटेंड कर पाऊँ तो पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकूँ सर। वेरी नाइस, ग्रेट। चलिए आपका रिसोर्स तो हमारे पास आया है, लेट अस शेयर दैट एंड डू द एनालिसिस टुगेदर। तो ये आपका है रिस्ट वॉच, बराबर ये रिस्ट वॉच आपका है टाइटन? यस सर, यस। ओके ओके, तो चलिए वन बाय वन एवरीवन से वन सेंटेंस व्हिच कम्स टू योर माइंड रिगार्डिंग दिस। मेरे हिसाब से इसका जो बेल्ट है वो लेदर का, राइट? लेदर बेल्ट है या रबर बेल्ट है? ब्लैक कलर अंदर से लेदर है, हाँ ब्लैक कलर बेल्ट है, अंदर से लेदर है, ऊपर से वो कॉटनिश मतलब ये दिया हुआ है उसको फिनिश। ओके ओके, और बैकग्राउंड में जो है ये बैकग्राउंड का जो बैकग्राउंड भी है उसमें मेरे हिसाब से वो कपड़े का ही फिनिश है ना, इट्स लाइक क्लोथिंग इफेक्ट इज देयर, राइट? हाँ सर, बैकग्राउंड। ओके वेरी नाइस। ओके चलो, कौन कौन बात करना चाहेगा इसके बारे में? सर मैं शुरू करूं? यस कीजिए। हरीश जी, बहुत ही अच्छी वॉच आपने पहनी है, लेकिन एक चीज़ जो प्रोमिनेंट मेरे को नज़र आ रही है इस वॉच में कि जितने एफर्ट्स आप अपने वर्क प्लेस पे या अपने लाइफ में डाल रहे हैं, आपके मन मुताबिक रिजल्ट्स देने में ये वॉच आपको हेल्प नहीं करेगी। आप शायद जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसी में आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, तो वो स्पेसिफिक रिजल्ट जो आप चाह रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल वॉच है। दूसरा एक बहुत पॉजिटिव चीज मुझे नजर आ रही है कि आपका अपना एक इनर सर्किल है जिनके साथ में आप उठना बैठना पसंद करते हैं, और किसी भी बाहरी आदमी को आपके इनर सर्किल में आने के लिए काफी मुश्किल है। बहुत सोच समझ के आप लोगों को अपनी लाइफ में अपने इनर सर्किल में शामिल करते हैं, जिन्हें आप अपना अपना कहते हैं, अपना फैमिली, अपना फ्रेंड कहते हैं। तो ये दो पॉइंट प्रोमिनेंटली मेरे को नजर आ रहे हैं। तो इनका कहना है जो आपने सुना, तो आप समझ पाए हरी जी क्या कहना चाहते हैं? जी सर जी। तो ये है कि रिजल्ट्स इन्होंने कहा कि स्पेसिफिकली वो नहीं मिल रहे जो आप चाहते हो, है ना, उसमें काफी डाइवर्जन हो रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो आपके फ्रेंड में है वो काफी सारे जो सर्कल्स है वो अलग अलग, मतलब यू आर बीन एबल टू कीप एवरीबडी सेपरेट नो, मतलब आपका जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन वाला अलग ग्रुप है और घूमने फिरने वाला ग्रुप अलग है, और साथ ही साथ फैमिली मेंबर्स को भी आप अलग से रखते, तो यू डोंट मिक्स पीपल इन जनरल, ऐसा उनका कहना था। राइट सर, राइट सर, करेक्ट। ऑसम। ओके नेक्स्ट ऋषि जी बोलिए एक सेंटेंस एनालिसिस कोई। यस हरीश जी, आपका वॉच मुझे बता रहा है दैट यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट टेकिंग एफर्ट्स एंड पुटिंग एफर्ट्स इन व्हाटएवर यू डू, यू पुट दोस एफर्ट्स इन अ वेरी पर्टिकुलर एंड अ प्लान्ड वे। वेरी नाइस। तो हरी जी यस सर, तो इनका कहना yes, है कि आपके एफर्ट्स में जो है प्लानिंग काफी अच्छा होता है एक, तो क्या आपने अनुभव किया है ये कि आप जब भी कुछ एफर्ट लेते हो तो प्लान वे से ही लेते हो? यस सर, ये अभी रिसेंटली मेरी एग्जीक्यूशन एज पर दी प्लानिंग बढ़ गई है मेरी। और ये मेरा सर अभी मेरे बर्थडे के टाइम पे मुझे ये गिफ्ट मिला था, तो ये वॉच उसके पहले में, हां जी अभी भी रिजल्ट मिल रहा है, हां वेरी नाइस। और उसके पहले मैं ये स्क्वायर डायल वाला यूज कर रहा था, तो मेरे पास अभी दोनों थे तो मैं अल्टरनेट, बट जो जो बता रहे वो करेक्ट है। यस ग्रेट ग्रेट। यस अंजलि जी, आप क्या एनालिसिस करना चाहोगे? हरीश सर, आप बहुत प्रोनाउंड जिनका नाम है ऐसे टीचर से सीखना चाहते हैं, आपकी ऐसी इच्छा है, जो अच्छे टीचर है, नॉलेजेबल टीचर है, उनसे ही आप सीख पाए। क्या बात है, अमेजिंग एनालिसिस अंजलि जी। तो जब भी आप सीखोगे किसी ऐसे ही इंसान से सीखोगे जिसका नेम फेम काफी अच्छा है। अरे इसीलिए तो इस ग्रुप में हूँ मैं आप ही से सीखना चाहता हूँ। आप यहाँ पे हो, वो थॉट से ही आए हो। ग्रेट एनालिसिस अंजलि जी, हैट्स ऑफ, वेरी नाइस वेरी नाइस। नलिनी जी आप कुछ कहना चाहोगे? यस सर। सर हरीश जी अपनी नॉलेज को बड़ी अच्छे से डेप्थ में जाके यूज करते हैं। क्या बात है, अमेजिंग। तो ये चाहते हैं, ही इज वेरी मैच्योर। हाँ, अबाउट हिज नॉलेज, आप जो है जो भी चीजें सीखते हो उसको ना बहुत इन डेप्थ, मतलब एक्सपर्टीज के लेवल पे लेके जाते हो, बहुत जो भी कम करोगे वो इन डेप्थ सीखने की इच्छा रखोगे। नलिन जी एनालिसिस क्या आपको, तो कितने सहमत है इससे आप इस चीज को लेके? 100% सर। क्या बात है, अमेजिंग, ग्रेट एनालिसिस नलिन जी। यस प्रियंका जी बोलिए क्या एनालिसिस आप करना चाहोगे?
सर हरीश सर इज इट गिफ्टेड बाय योर वाइफ और हु गिफ्टेड यू सर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड Okay, sir. So mostly, most of your time is you are very time bound with your family. Like you like to spend a lot of time with your family around your family. It is like you know one important aspect of your life wherein you just want to spend the most of your time. Very, you know, it's like a meditation for you. It's like something which gives you a lot of happiness when you are around your family, around your spouse or your. Children, that's the best thing that you really love entire day to spend your time with your family. Yes, yes, amazing. Absolutely. Okay. Analysis, yes. जो दो दो लोग बचे हैं, मेरे से बबली जी बोलिए क्या analysis आप करना चाहोगे? हाँ जी हरीश जी आपका जो relationship है आपके आसपास के लोगों के साथ वो warmth के साथ feeling है आपको कुछ भी चीज artificial नहीं पसंद You are like कि कोई भी रिलेशनशिप अगर मैनेज करना है मेंटेन करना है तो उसमें वार्म्थ होना चाहिए और ओरिजिनलिटी होना चाहिए और उस चीज के लिए आप जो है कंटीन्यूअस एफर्ट्स भी देते हैं तो बबली जी मैं इसको ना थोड़ा और ट्विक करके और मैं बताना चाहूंगा कि हरीश जी हो सकता है ज्यादा बात नहीं करते हैं हाँ लेकिन जिनके साथ संबंध है उनके साथ बिना बात किए भी कम्युनिकेशन हो जाता है जैसे सामने वाला इंसान इनकी बातें पढ़ लेता है मतलब ऐसे ही लोग हैं बहुत क्लोज घनिष्ठ संबंध है जो इनको बहुत आसानी से समझ लेते हैं मैं राइट हूं हरी जी राइट सर राइट तो मितभाषी उतना ज्यादा बात नहीं करते बहुत कम लोगों से बात करते हैं और जब भी बात करेंगे मुद्दे की बात करेंगे पॉइंट की बात करेंगे देखो अभी भी जो बोलते हैं राइट या रॉन्ग में बताते ज्यादा बड़बड़ नहीं करते वेरी स्पेसिफिक द वर्ड और ग्रेट एनालिसिस बबली जी बहुत अच्छा एनालिसिस किया आपने और One sentence from your side as well. हरीश जी आप जो भी कमिट करते हैं या किसी से आप कुछ प्रॉमिस करते हैं तो आप वो यू मेक श्योर दैट यू पुट कंटीन्यूअस एफर्ट एंड वो आप उनको पूरा करके दे इज इट सर यस यस और मैं लास्ट में मैं एनालिसिस करना चाहूंगा आपकी जो वॉच है वो बताती है कि आपके लाइफ में आपने बहुत ज्ञान प्राप्त किया आपका जो लर्निंग है वो सेल्फ एक्सपीरियंस का लर्निंग है मतलब जो तकलीफ है जो चैलेंज आपने सेंड किया आप लोग म्यूट करेंगे पीछे किसी का बच्चे का आवाज है तो आपका जो लर्निंग है वो लर्निंग आपका खुद के चैलेंजेस के साथ आया हुआ है बहुत संघर्षमय जीवन रहा है और आपने जीवन में बहुत बड़ी चीजें हासिल करने की कोशिश की वैसे सपने अपने रखे अपने लाइफ में कि ये सब बड़ी चीजें हो और इतने संघर्ष के बावजूद भी आपने अब तक अपनी लाइफ में गोल्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है ना सब हो लेकिन आपका अभी भी वो बिलीफ है कि एक दिन आई विल बी एबल टू रीच देयर एम आई राइट राइट सर एब्सोल्युटली ये वॉच अच्छा नहीं है ये वॉच बहुत ज्यादा संघर्ष दिखा रहा है ठीक है तो आपने लिया आपको गिफ्ट मिला यू नो ये वॉच हालांकि आपकी पर्सनालिटी को दिखा रहा है जो कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी एक ग्राउंडेड नॉलेजेबल एक व्यक्ति जिसको लाइफ का मीनिंग समझता है इसलिए ये व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ना ऊंचा ना नीचा यू नो एट पार समझता है मतलब यू नो जस्ट बिकॉज किसी वजह पैसा है या नॉलेज है ना व्यक्ति वो बड़ा है ना व्यक्ति वो छोटा है तो व्यक्ति अच्छा है तो अच्छा व्यक्ति बुरा है तो बुरा है ना दैट इज द वे यू बाय बिहेवियर यू डिसाइड कि ये व्यक्ति कैसा है मैं राइट हूं हरी जी राइट सर हां तो ये जो है ये बहुत अच्छी बात है आपकी रिस्ट वॉच लेकिन एक ही प्रॉब्लम है रिस्ट वॉच उतना अच्छा नहीं है अगर आप अवॉइड कर सकते तो अवॉइड करेंगे क्योंकि इसमें संघर्ष बहुत है चैलेंजेस बहुत है इश्यूज बहुत है ठीक है एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इट वाज ग्रेट टू हैव यू हियर ना तो बहुत मजा है आपसे बात करके और ऐसे ही बाकी लोगों से भी बात करके हमको बहुत मजा आएगा लेट अस सी कि और कैसे लोग जो है इसमें आएंगे तो लेट अस सी कि और कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं तभी और किसी का अगर वॉच रहेगा तो मुझको बोल दीजिएगा और किसी को ऐड करना है तो उसको ऐड कर दीजिएगा उनका वॉच हम देख लेंगे और बाकी जो नहीं है उनको आप डिलीट भी कर सकते हो ताकि ओके सुप्रिया जी का सैंपल मेरे पास आया है और सुप्रिया जी इफ यू आर देयर ज्वाइन द ग्रुप सो दैट आई कैन डिस्प्ले योर वॉच ओके तो कैसा लगा आपको मजा आ रहा है यस सर एनालिसिस आपने जो सीखा है वही एनालिसिस यस अंजलि क्या 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 सो यू आर गिविंग कॉन्फिडेंस टू अस ओके ग्रेट सो ह्यूज एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस सर टू जॉइन विद यू एंड डूइंग एनालिसिस इट्स अ वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू यस थैंक यू तो मजा आ रहा है ना कि एनालिसिस को कैसे किया जाता है कैसे बोला जाता है ना वो यस सर लॉट ऑफ लर्निंग सीखी हुई है लेकिन शब्दों के इस्तेमाल से फील अलग होता है ना मजा अलग आता है राइट सीखा तो आपने वही है सीखा भी मैंने वही है लेकिन जो सिखाया भी मैंने वही है लेकिन
सिर्फ एक थोड़े से वर्ड्स इधर से उधर कर देते हो, जैसे ऋषि जी का एनालिसिस मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो ऐसे अभी भी किसी ने तो बहुत अच्छा एनालिसिस किया था है ना, मैं अभी भूल गया, बट इट इज अ वेरी गुड एनालिसिस यू गाइस आर डूइंग। तो रामा जी, क्या आपका सैंपल ऑलरेडी शेयर्ड है? तन्वी, कैन यू शेयर द सैंपल ऑफ रामा जी, इनका जो रिस्ट वॉच है, कैन यू, क्या आप शेयर कर सकते हो? क्या आपका सुप्रिया के नाम से है या एकता? आपका रामा जी, आपका नाम रामा लिख के आ रहा है, तो किस नाम से आपने जो है सैंपल भेजा हुआ है? आई ओनली लॉग्ड इन विद रामा ओनली, रामा ए, सो आई सेंड द रिस्ट वॉच टू तन्वी। तन्वी, कैन यू शेयर द रिस्ट वॉच ऑफ रामा? ओके, आई गॉट इट शेयर। तो आपका गोल्डन टाइटन वॉच, राइट? गोल्डन टाइटन, यस। ओके, ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। तो अभी मैं जो हूँ आपको ऐड करता हूँ इसमें। और तो आपको कैसे पता चला रिस्ट वॉच एनालिसिस के बारे में रामा जी? I mean, I was going through Instagram and then I saw your ad. Then I said, this is something new. I thought, let me attend and then find out. So when it came, you are doing the live session, then I thought, why not get my watch analysis? So again, I came in and then to you all. You are lucky, huh? For your information, we have got more than hundreds of requests for their analysis. उसमें से आपका वॉच सिलेक्ट हुआ है, मतलब आपका तीसरा वॉच जो सिलेक्ट हुआ है, तो यू ऑल पीपल हु आर गेटिंग अ चांस टू गेट देयर रिस्ट वॉच एनालाइज, यू आर वेरी वेरी लकी। या, दैट्स ट्रू। ओके, क्या यही आपका वॉच है जो डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें थोड़ा सा? या, दिस इज द वन। ग्रेट। ओके, तो हम लोग अभी लेडीज फर्स्ट, क्योंकि काफी सारी लेडीज है, उनसे ही चालू करना चाहेंगे। तो अंजलि जी बोलिए, आपको क्या लगता है रिस्ट वॉच को देख के? हैप्पी वुमेन्स डे रामा जी, नमस्ते। नमस्ते। आपका, यू आर वेरी इमोशनल पर्सन रामा जी। प्रीमियम सर्कल, आपके घर का भी, मतलब प्रीमियम सर्कल में रहते हो आप, घर से भी और बाहर भी आपके जो कॉन्टेक्ट है, प्रीमियम कॉन्टेक्ट है आपके, मतलब अच्छे घर में अच्छे लोगों से ही, नॉलेजेबल लोगों से आपके कॉन्टेक्ट है। कहना है कि ऐसे लोग जो कि मतलब सदन भी होते हैं और व्यवहार में भी अच्छे होते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपके बहुत संबंध है, ऐसा उनका कहना है। वेल टू नो, यस एंड नो, क्योंकि दिस, आई मीन माय फैमिली इज गुड एंड वी आर ऑल, आई मीन हैव अ गुड रिलेशनशिप, सो दैट्स ट्रू इन वन वे। अमेजिंग, तो आप बहुत अच्छा एनालिसिस है। यस, प्रियंका जी, क्या एनालिसिस करना चाहोगे आप इस वॉच का? Ramon, you when you express you do not express through words, you like to express through your emotions. You know, you want the other person to understand you, the emotions that is portrayed on your face, rather than talking to that person and letting them know, you know, what you're thinking about, and that is what you believe in. Okay, and whatever you promise, if you tell someone that, okay, I'll be doing this work, you put in a proper effort, and then, you know, you make sure that whatever you have promised, you're giving that person the same thing. Though execution might be a challenge, but मैं प्रियंका जी, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा रिगार्डिंग रामा जी। इट्स लाइक शी, इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू से नो। तो कई बार ना वो काम करते करते कुछ एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट कर देती है, बाद में उनको समझता है कि यार मैंने, आई शुड हैव सेड नो। एम आई राइट रामा जी? This part, Sudhir, I'll tell you, because when I say no, but the first part when she said, you know, facial expressions is other, I want the other person to understand. I don't do it intentionally, but maybe that's what my inner self is portraying it. But yeah, I talk a little bit less comparative to others, but maybe, yes, I do show it on my face. So that can be. But, yes. ये बहुत अच्छा बोला इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा जो आपने बोला ना कि इस लाइक इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप काम करते रहते हो, काम करते करते उसमें कुछ एड ऑन भी हो जाता है, तो यू डोंट माइंड इट, यू टेंड टू से चलो कर लेते हैं ना, तो काम करते करते भी बहुत सारी जो दूसरी ऑब्लिगेशन है उसको आप कर लेते हो, ऐसा भी उसी सेम चीज को मैंने अलग तरीके से आपको बताया। Yeah, maybe this way, yes, I'll accept it. But that way, when you said, I was a little bit more assertive in saying no and yes. So, ये वाला हाँ सही है। हाँ, तो इसमें मतलब एक ही चीज है, दो तरीके से बताना पड़ता है, ताकि कई लोग ना उसको उस तरह से करते तो उस तरीके से। ठीक है, ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर कंफर्मिंग। ओके, और कौन करना चाहेगा एनालिसिस?
यस राजू, आप सब लोग हाथ खड़ा कीजिए, मैं देख रहा हूं। यस राजू जी बोलिए। Sudhir, I mean, is this watch okay for me or I should change the watch or something like that? कैसे है कि लाइफ में कौन सा वॉच आपने पहनना चाहिए वो तब हमको समझेगा जब आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस आपकी रिसोर्सेस और आपकी लाइफ की प्लानिंग हमको समझती है। तो जैसे भी पुराना जो वॉच था उस व्यक्ति का, उसने बोलते बोलते उन्होंने बहुत सारी चीजें बोल दी तो मुझको उनके लाइफ का प्लानिंग समझ गया कि ये ऐसा सोचते हैं ऐसा करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनको कह पाया कि वो वॉच उनके लिए खराब है ना। तो आपके लिए अगर वो खराब या अच्छा है तो हमको बहुत सारी चीजें मतलब इट्स लाइक व्हेन वी नो द लाइफ ऑफ द पर्सन इट्स इजी टू से समथिंग। यस राजीव जी। यस रबा जी, मैं एनालिसिस से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, कितने टाइम से आप ये वॉच पहन रहे हैं? Most probably around 7 years, but one thing is I have different colors and all, you know, being a female I like more of whatever color dress I wear which matches that, but this is the one which I wear more often. The other watches. Okay, that's great. Because somehow I have a feeling looking at the dial of the watch that it might create some sort of internal conflicts or कुछ आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस या हेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस भी आपकी लाइफ में शायद इस हो रही होगी इसकी वजह से, कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होंगे या कुछ इमोशनल टर्मोइल्स आपके लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स ये लाइफ क्रिएट कर सकती है। वन थिंग इज यस आई हैड हेल्थ इश्यूज समवेयर इन 2015। हेल्थ इश्यूज काफी आएंगे इस पे। इट टुक मी अराउंड 4 टू 5 इयर्स टू कम आउट ऑफ दैट। But right now, to tell the truth, from COVID, no watch I'm wearing. So for the last 2 and a half years, only when I go out, I do wear. Nowadays, exactly. Little bit of smart watches I'm wearing, like the Fossil one. जब भी आप ये watch पहनेंगे, आपकी life में emotional और physical problems आने की संभावना ज़्यादा है. There's more of a likelihood of you feeling either emotional turmoil or physical discomfort if you wear this watch for a long time. This is what I can say about it. Okay. Great. So, nice analysis. I mean, after the session, I had the first session, I said I'm going to discard this watch, but I wanted to know what is. Discard कर दीजिए, मतलब मैं अभी जो देख रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके बारे में, तो उतना अच्छा नहीं है। एक तो जैसे आपने हेल्थ का इश्यूज, जैसे राजू जी ने भी कंफर्म किया कि हेल्थ इश्यूज जो है वो काफी ज्यादा दिखती है, इसके अलावा बहुत सारे और इश्यूज है इसमें। हो सकता है कि मतलब जैसा कि यू कैन टेल सुधीर लाइक आई विल बी आई एम मैच्योरिटी टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इट इज। नहीं उतना तो हम बोल नहीं पाएंगे ज्यादा इसमें, तो गायनेक इश्यूज भी हो सकते हैं इसमें और ऐसे डिसीजेस हो सकते हैं जो कि जल्दी डिटेक्ट ना कर पाए, मतलब डॉक्टर की पकड़ में वो डिसीजेस जल्दी नहीं आएंगे, लेट रिकॉग्निशन या डायग्नोसिस जो है वो लेट होगा ऐसे वाइब्रेशंस वॉच में। ओके तो हां जो हेल्थ चैलेंजेस चलते रहेंगे फिर उनको समझ में आएगा, बहुत सारे ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बावजूद भी चैलेंजेस ठीक है। तो बबली जी बोलिए क्या कहना चाहते हो इस वॉच को देख के। ओके सर, मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहती थी कि रमा जी शी इज अ पर्सन हु लाइक्स परफेक्शन इन व्हाटएवर शी डू। वेरी नाइस। तो परफेक्शन चाहते हैं, चीजों को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं और उनको अपना किया हुआ काम का जो क्वालिटी है वही बाकी लोगों से उम्मीद भी रहती है, सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर पीपल एज़। Yes, Rama ji, आपका क्या कहना है इसके बारे में? See, the part wherein she said, yes, when I do it meticulously, 60% of the works, whichever I do, meticulously 60%, that 40%, I plan it, but execution mein nahi hota hai. But expectation from the others, maybe at the start of my, I mean, when I was young, I would have had it, but now the expectation has reduced. हाँ so, नहीं मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है, भले आप दूसरों की मिस्टेक्स को माफ करते हुए एडजस्ट करते हो लेकिन आप चाहते हो कि दूसरे इम्प्रूव करें, तो एक्सपेक्टेशन तो इसमें है। That's true. You got it. Great. चलिए और कौन करना चाहिए, हाथ खड़ा कीजिए, अभी मैं भूल गया कि किसने पहला किया था दूसरा किया था। Who would like to do it? राजू जी आपने किया शायद ना, आपने कर लिया है। मैंने कर लिया। हाँ ऋषि जी बोलिए। ऋषि जी बोलिए। ऋषि संजय। नमस्ते रामा जी। नमस्ते सर। रामा जी, दिस वॉच टेल्स मी कि जब आप ये वॉच पहनते थे
उस समय यू आर क्वाइट सैटिस्फाइड विथ योर लाइफ, यू डिड नॉट हैव टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द नेचर, योर डिमांड्स वर नॉट वेरी हाई दैट नो आई हैव टू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ सेल्फ, टू एन एक्सटेंट यू आर सैटिस्फाइड विथ वॉट यू आर डूइंग एट द टाइम वेन यू आर वेयरिंग दिस वॉच. I will say that I had expectations, but reality ko thoda sa, not thoda, maybe above the average of 80% accept ki maine. So yes, but I had my dreams and expectations, but ha, ye reality hai, accept karne se wo jo conflict man mein rehta hai, wo nahi. Yes, you were satisfied with what you are having or what you are going through. Great analysis. I mean, there is a little bit difference between acceptance and satisfaction. So I will say I accepted the reality. Yes, very nice. Correct. बहुत अच्छा analysis किया. और कौन करना चाहेगा? Will like to speak? Can you raise your hand? मतलब मैं देख पाऊंगा तो मैं. प्रियंका जी आप करना चाहोगे? Yes, प्रियंका जी बोलिए. Sir, just to add on to that point, what Rishi ji said is that she is a very optimistic person, always hopeful that you know everything will be okay. आज नहीं तो कल एवरीथिंग विल गेट टू द पॉइंट वेयर शी इज हैप्पी और शी कैन एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर चैलेंज इन अ वे दैट शी वांट्स टू डू इट. अगेन एज शी मेंशन्ड, ऑफ कोर्स द एग्जीक्यूशन इज अ प्रॉब्लम. व्हेन शी इज प्लानिंग शी इज वेरी गुड एट प्लानिंग, बट एग्जीक्यूशन पार्ट शी इज अ लिटिल बिट लैगिंग बिहाइंड ऑन दैट. एंड टू कम इन टू द यू नो टू बी अ पार्ट ऑफ हर टू बी अ पार्ट ऑफ हर ऑन हर गुडविल साइड, इट इज अ लिटिल बिट यू नो पीपल हैव टू टेक अ सर्टेन you know, they have to pass on certain tests, I should say, or they have to, you know, on her, you have to, you know, accept them in a particular way. They cannot just immediately enter into your life. They have to be at a level where you can accept them. It is not for everyone to come into your life and be a part of your closed group. One sentence, or, आप पूरा ऐसे बोल दोगे तो हमको पहला sentence याद नहीं रहेगा. I do accept that. I mean, I talk with most everyone, whoever I in the whether it is in family, outside neighbors or office. But yeah, as she was saying, my inner circle are very few, and it is very I don't know, very tough for me to accept each and everyone, to let them, you know, give that trespass in my inner circle. So I don't give very everyone nice. That one. So but yes, I am friendly, going out and all those things I do. But that part, yeah, I'll accept. Very selective people, but very nice. Good analysis. Okay. और कौन बचा है जो बोलना चाहता है? कोई बोलना चाहता है? और can I see the hands? Okay. तो amazing. सबका हो गया. Great. तो ये बहुत अच्छा है. आपका जो life हमको जानने को मिला इस watch में से. इस watch में ये भी पता चला कि आप you are blessed. You generally have very good people around you. Circle अच्छा आपके आजू बाजू में आने वाले लोग अच्छे हैं. आप बहुत अच्छे लोगों से पहचानते हो. और बेस्ट पार्ट है कि यू डोंट लाइक टू टेक ऑब्लिगेशन फ्रॉम अदर पीपल. तो आप बहुत रेयरली लोगों से मदद मांगते हो. मतलब इंस्पाइट ऑफ यू नो कि दिस पर्सन कैन हेल्प यू वेरी इजीली, स्टिल यू विल नॉट टेक द हेल्प अनलेस इट इज एब्सोल्युटली कंपल्सरी. तो ये बहुत अच्छी बात है. आपने कैसा नो रामा जी? यस, दैट इज ट्रू, बिकॉज आई डोंट लाइक टू यू नो have that obligation. This part 100% true. And one part is I really liked the all of your analysis about the watch and how it actually told me. So yes, I am interested, but I don't know, I think I'll take that time out from my this thing and see how best it can help me. But one thing, can I mean, Sudhir, can you just tell me, because I don't do any kind, because I'm a working generally working and then doing it, how would this wristwatch analysis, oh, personally it will help me, that is for sure, and it will help my friends and all, but how can this help me? How many people are there in your home? How many people are there in your home? घर में कितने लोग हैं? और चार जने, my husband, son and mother-in-law. Correct. So when you learn, it will help all four of them. First of all, it can help you with your health, then overall growth of your family, the betterment of your a kid, if he is you know young, you know, if he is working, he can get promotion very easily. If he is into the study, he can get good marks very easily, you know, whatever you want. So you can manifest all those things by using a right kind of wristwatch and wall clock together in the house. So you all can get fit as well. So aapka fitness bhi aap bada sakte. So it is a kind of a complete solution for a family, because every family has four walls and four member minimum. So char jagah pe aap diwar, char diwar pe char wall laga, wall clock laga sakte ho, चार घड़ियां पहन सकते हो. तो इट्स ग्रेट हेल्प फॉर एवरीवन. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन रामाजी फॉर जॉइनिंग अस.
तो मिलते हैं आपको, अगर आप कभी हमारा क्लास करते हो, क्लास में आओगे तो आप सभी लोग जो है इसमें आप आओगे. ओके, सो ग्रेट एनालिसिस एवरी सिंगल वन ऑफ यू. हम लोग अभी, आपको नहीं पता है तो 8:19 है, मतलब हमने ऑलरेडी 80 मिनट्स तक लोगों का एनालिसिस किया, और इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर माई साइड एज वेल कि आप लोगों का एनालिसिस सुनने का मौका मिला. जनरली मुझको पता ही नहीं चलता कि आप कैसे बोलते हो, है ना, लोगों को क्या कहते हो, तो आज मुझको पता चला कि आप काफ़ी सारे लोग जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, और इट इज़ अ ग्रेट टू सी कि आपको समझता है क्या बोलना है. आप थोड़ा जो फ्लेवर का एडिशन है वो धीरे धीरे आएगा. आई बिलीव द मोर यू प्रैक्टिस मोर इट इज़ ईजी फॉर यू टू डू द गुड एनालिसिस. मतलब साइंस वही है, लेकिन जिस तरह से आप उसको बोलने वाले हो, जिस तरह से वो चीज़ें लोगों तक पहुँचने वाली है, दैट चेंजेस, है ना. तो यस बबली जी, क्या कहना चाहते हो आप? हाँ सर, इसी बात पे एड ऑन करना चाहती हूँ कि लाइक अभी तक जिसकी वॉच एनालाइज हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास है. दिस इज अ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, आई वुड से एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि स्ट्रेंजर्स हैं, वी डोंट नो एनीथिंग, और सामने से उसी मोमेंट पे पता चल जाता है वेदर इट्स अ येस और नो फॉर द पॉइंट्स वी आर सेइंग. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. yes. अच्छा, मेरे मुझको ये बात ना पता नहीं चलती, क्योंकि मैं तो आप लोग भी मेरे लिए स्ट्रेंजर्स थे जिस दिन मैंने आपका एनालिसिस किया, या जनरली मैं तो स्ट्रेंजर्स का एनालिसिस करता हूँ, तो मेरे लिए अभी मैं आदि हो चुका हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत वाव मोमेंट है. अरे, एक अनजान आदमी का किया, अनजान आदमी ने हाँ बोला, और जो हमने सीखा था वो कनेक्ट हुआ. यस, दैट इज गॉड. चलो लास्ट वॉच करते हैं, अभी हमारे पास 9 मिनट है, 8:30 को हम लोग बंद करेंगे. एक मिनट उनको ऐसे नहीं कहेगा, प्रियंका जी टू द पॉइंट, फटाफट एनालिसिस करेंगे, और सब लोग जो है सुप्रिया जी का एनालिसिस करेंगे. यस सुप्रिया जी, आर यू देयर विद अस? यस सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. तो बताइए सुप्रिया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल दी वुमेन्स. वैसे मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है वुमेन्स डे, टू बी ऑनेस्ट, क्यों हर रोज तो वुमेन्स का ही होता है. हम तो मेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे तो वैल्यू है, बट ठीक है, स्टिल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू. ये हमारे आई एम नॉट अबाउट ऑल द मेल्स, यू नो, हर रोज तो लड़कियों का ही होता है, हर रोज तो वुमेन्स का होता है, मनाना पड़ता है ये वाला त्यौहार, रोज मनाना पड़ता है. हां, तो ग्रेट, तो ठीक है, चलिए एनालिसिस कर लेते हैं इनका भी, और सीखते हैं कि क्या इनकी लाइफ में हो रहा है. मेरे हिसाब से आपका जो रिस्ट वॉच है वो स्मॉल साइज का है ना? हाँ सर. हाँ, स्मॉल साइज वॉच है हमारे पास, बाहर से सर्कल है और अंदर से थोड़ा सा स्क्वायरिश शेप दिया उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर का. तो ये फटाफट कीजिएगा, 5 मिनट के अंदर हम लोगों को जो है 5 पॉइंट उनको बताने हैं, बहुत अच्छे, बहुत यूनिक और बहुत स्ट्रॉन्ग. सो लेट अस सी, कैन वी से दैट क्विकली. और आपके चेहरे की खुशी सभी लोगों की मुझको देख के बड़ा मजा आ रहा है कि आप लोग जो है समझ पा रहे हो कि कैसे होता है, क्या फीलिंग होती है जब स्ट्रेंजर्स हाँ कहते हैं जिसको. यस, वी वुड लाइक टू गो फर्स्ट फ्रॉम वुमेन्स, वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो जिन लोगों ने पिछला एनालिसिस नहीं किया उसमें से कुछ लोग बोलिए कौन एनालिसिस करना चाहेगा. ओके, तो आई सी निशा जी इज देयर, हु एल्स इज देयर? ओके निशा जी बोलिए. हेलो सुप्रिया जी. हेलो, नमस्ते. सुप्रिया जी, मैं देख रही हूँ आपके वॉच में कि आप जब भी कुछ प्लान करते हैं वर्क करने का, तो एग्जीक्यूशन और प्लानिंग के बीच में एक गैप आ जाती है, या ब्रेक लेते हैं या बहुत सोचते हैं फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, बहुत सोचती हूँ जी. राइट, ग्रेट एनालिसिस, ग्रेट एनालिसिस. यस प्रियंका जी बोलिए, वन सेंटेंस. Supriya ma'am, you when you are outside, when you are with a, if you are working, if you are outside, then you try to impress that person by your action rather than your words. You want your actions to speak more than your words. Yes, correct. बहुत अच्छा. और I'm particular about my work, so I'm showing my actions. Yes. बहुत अच्छा. Okay, Babli ji. Hello, Supriya ji. Supriya ji, you are a person who has a multiple solution for a single issue. You can give n numbers of solution according to person's need and requirement. Yes. Very nice. Very nice, Babli ji. Proud of you. Bahut acha kiya analysis. Nalini ji, boliye. Sir, I want to say Supriya ji allows people to interact with her easily. Wow. Great analysis. तो आप सभी के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर लेते हो, हर तरह के लोग आपके फ्रेंड सर्कल में आ जाते हैं, और आप किसी भी व्यक्ति से आसानी से कंफर्टेबली डिस्कशंस या वार्तालाप कर लेते हो. ग्रेट, करेक्ट है सुप्रिया जी जो बोल रहे हो? यस करेक्ट, वेरी नाइस सर, गुड ऑब्जर्वेशन. या ग्रेट. अंजलि जी बोलिए, आपको क्या दिख रहा है इस वॉच में?
सुप्रिया जी नमस्ते. आपका नमस्ते ना आउटर सर्कल जो है वो टेक्निकल लोगों से काफी आपका मिलना जुलना रहता है, शायद इंटरनेट पे या ऐसे कम्युनिकेशन जो होता है आपका. इज इट राइट? आई एम वर्किंग इन स्कूल. स्कूल में काम करते हैं? ओके. हाँ, कौन सा कौन सा कौन सा सब्जेक्ट सिखाते हो आप? क्या क्या सब्जेक्ट्स कौन से सिखाते हो स्कूल में या फिर? मैं इंग्लिश. इंग्लिश में? तो इनके फ्रेंड सर्कल में ना ऐसे लोग बहुत है जो लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के जो ज्ञाता है या जिनको पता है, जो बहुत पढ़ते हैं, जिनको शब्द अच्छे पता है या जिनका व्याकरण ग्रामर बहुत अच्छा है, तो ऐसे सब लोग आपके कॉन्टेक्ट में आसानी से आ जाएंगे, ऐसा इनका कहना है. हाँ सर, ऐसा है. समझ रहे आप लोग? तो टेक्निकल उनके लाइफ में टेक्निकलिटी अलग हो गई है ना. हम लोग कहते हैं टेक्निकल में तो हमको लगेगा सॉफ्टवेयर में है या मैकेनिक है, पर ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश में टेक्निकल क्या होगा कि जो व्याकरण में अच्छे रहेंगे या जिनकी शब्द रचना या ऐसे जो लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा साहित्य में जुड़े हुए हैं ना, डीप इनटू द लिटरेचर, वो लोग इनके कांटेक्ट में रहेंगे. यस, तो जिनका हैप्पी वुमेंस डे नहीं है वो लोग भी हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ऋषि जैन, राजू जी, वी विल लाइक टू गो फर्स्ट. सर मैं एक, अच्छा प्लीज ऋषि गो ऑन. यस ऋषि जी बोलिए. यस हाय सुप्रिया जी. हेलो. दिस वॉच इज टेलिंग मी दैट whatever you convey to people, at times they tend to misunderstand you. Okay. So does it happen with you? Because this tells me that you tend to face misunderstandings with people. They are not able to understand what you actually mean. मतलब कभी कभी आप जो कहते हो और सामने वाला जो समझता है वो छोटी छोटी बातें जो है वो misunderstand हो जाती है, मतलब misinterpret हो जाती है. और आपको आप कहते हो मैंने ऐसा कहा था, मेरा कहने का मतलब ये था, और देन यू इट कैन हैपन विद यू वेरी इजीली. ओके सर. यस और नो पूछ रहे हो? नो सर, नथिंग लाइक दैट. ओके ओके ओके. यस सर, राजू जी बोलिए. हेलो सुप्रिया. हेलो सुप्रिया जी, ये वॉच कितने टाइम से पहन रहे हैं आप? ये मैं लास्ट 3 मंथ से पहन रही हूं. ओके. जब से आपने ये वॉच पहनना शुरू किया है, आपको अपने अंदर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कुछ पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता हुआ नजर आया है क्या? यस, आया है. जबी जबी मैं पहनती हूँ कुछ ना कुछ, मतलब पता नहीं, मिक्स वेरिएशंस आते हैं लाइफ में. आप जो इंटरनल लाइफ है वो डिस्टेबलाइज होती है या डिस्टर्ब हो जाती है? डिस्टर्ब हो गई है, डिस्टर्ब हो जाती है ना, ये इस वॉच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. बहुत अच्छा एनालिसिस राजू जी, प्राउड ऑफ यू एज वेल. मतलब बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन. ये एक्चुअली एक व्यक्ति ने ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन किया था सेम, लेकिन उन्होंने दूसरा एनालिसिस किया और आपने दूसरा एनालिसिस किया. अमेजिंग टू सी दैट यू ऑल आर डूइंग अ डिफरेंट एनालिसिस. जस्ट सुप्रिया जी, आपको कैसा लगा जब आपने पार्टिसिपेट किया हमारे साथ अब तक? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग मी. डेफिनेटली आई विल डू द कोर्स. यस, एक चीज जो आपको सबसे अच्छी लगी अभी इस समय जब एनालिसिस आपका हो रहा था उस समय पे, तो कैन यू नेम वन ये लास्ट वन थिंग? हाँ, और ये जो इंटरनल टर्मोइल जो आप बात कर रहे हो, आप कहीं जगह पे बोल भी नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर क्या हो रहा है, बट इट्स देयर. हाँ करेक्ट. ये भी वायर व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? कैन आई चेंज माय वॉच और रिस्ट वॉच? हाँ, पर कैसे ना, अभी आपको ना नॉलेज नहीं है. काफी सारे लोग बदलते तो है, जैसे अभी उन्होंने भी बदला था, जो उनको गिफ्ट मिला था वॉच है ना, थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति आए थे. तो वॉच बुरा नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ में उतना अच्छा भी नहीं है ना. तो ऐसे जो आप खुद से चेंज करोगे, खुद से बदलाव करोगे, तो हो सकता है आपको वो वॉच ना मिले जो जो आपकी लाइफ में ज्यादा आपको मदद कर पाए. तो यू नीड टू चेंज, दैट इज फॉर श्योर, है ना. लेट अस सी कि आप जब ज्वाइन करोगे तो हम बता देंगे कि कौन सा वॉच आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा. ओके ओके, सो आई हैव टू वेट टिल द टाइम. हां, यू मस्ट. ओके, दैट इज अ पनिशमेंट फॉर नॉट टेकिंग अ डिसीजन अर्ली. Okay, all of you. So it brings us to the end of the program. I hope you all have learned a lot. You all have enjoyed a lot. तो एक-एक sentence में वापस से एक बार बता दीजिए कि क्या आपको सीख मिली आज और क्या आपको अच्छा लगा आज के बारे में. Quickly. So सभी कुछ अच्छा लगा बहुत, और आपके साथ बैठ के करने का एक एक्सपीरियंस बहुत ही अलग आया है. अभी तक हम जो भी करते थे कोई कंफर्मेशन नहीं था कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं कैसे बताना है,
तो आपके साथ लाइव बैठ के जो है जैसे कहते हैं गुरु के चरणों में बैठ के सीखने को मिला है आज, ये तो इस तरह से वंडरफुल एक्सपीरियंस। ग्रेट, अमेजिंग। यस सर, इस नलिन जी आपके लिए कैसा था आज का अनुभव, आपने कम एनालिसिस किया? इट्स रियली अमेजिंग। अपने गुरु की दृष्टि भी मिली और एक नई ऑरा में भी रहे। एग्जैक्टली, थैंक यू सर, थैंक यू, रियली ब्लेस्ड। और कोई जो कहना चाहता है, क्या उनका फीलिंग है आज के? अंजलि जी आपको कैसा लगा? हैव यू सर, योर मोमेंट, वाओ मोमेंट, इट्स लाइक एन अवार्ड टू अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यस निशा जी, सर आज लग रहा है कि एक लेवल हाई जाने का मौका मिला। और ज्यादा रिवाइज करेंगे और ज्यादा सीखेंगे, और आपसे जो ब्लेसिंग मिला है आज एक साथ एनालिसिस करने का कंफर्मेशन, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ लर्निंग का, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने, ग्रेट, आप लोगों ने काफी सही कैरेक्टर पकड़ा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकलिटी, शब्दों का इस्तेमाल अभी और प्रैक्टिस लगे, द मोर यू प्रैक्टिस मोर इट विल बी बेटर। जो निशा जी और कुछ लोगों का ऐसा मुझको लगा कि शब्द, जैसे प्रियंका जी ने इतने शब्द बोल दिए कि मैं पहला सेंटेंस ही भूल गया उनका, क्योंकि क्या होता है वो एक्यूरेसी आपकी कम हो जाती है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते, बट ठीक है, इट्स ग्रेट। यस प्रियंका जी, आपके लिए कैसा था अनुभव? सर वेरी वेरी नाइस थिंग, क्योंकि आई हैव डन एनालिसिस, बट जब आप रहते ना तो थोड़ा सा वो पता है कि आप एक तो करेक्ट तो कर ही दोगे, यू विल करेक्ट इट, बट देन आई नो कि अगर कहीं गलत गया तो मतलब हमें समझ में आएगा, लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन समझ में आ रहे थे कि हम लोग कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आज ऐसा लग रहा था सर, वो पता है हम लोग पहले जमाने में हाथ दिखाते थे ना, ये हमें देख के ये महसूस हो रहा है आपके लाइफ में, तो वो पाल्मिस्ट हम लोग, मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि हम वो पाल्मिस्ट बन गए कि आज हम सबकी लाइफ पढ़ के उनको बता देंगे। तो, पाल्मिस्ट तो नहीं बने, रिस्ट बन गए, रिस्ट दिख रहे ना, रिस्ट वॉच दिख रहे हैं। ग्रेट, यस बबली आपके लिए कैसा था अनुभव? सर अमेजिंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस सर। और सर ये रिक्वेस्ट रहेगा और ये होप रहेगा कि इस तरीके के लाइव सेशंस अब आते रहेंगे जिसमें हमको दोबारा से चांस मिल जाएगा, डिस्पाइट ऑफ जो भी कुछ। इट इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी ना, तो आप सभी को मिलेगा, बाकी दूसरे लोगों को भी मिलेगा, वी विल ट्राई। हम ये पता चला कि 10 लोग को ऐड कर दे तो 2-3 ही वॉचेस हम एनालिसिस कर सकते हैं, इट्स ग्रेट। हां जी, हां जी सर, हां जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो अगली बार सिर्फ इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि जो बोलो कॉन्फिडेंट से बोलो, कॉन्फिडेंस जो है वो, हाँ, कॉन्फिडेंस जो आपके शब्दों में आना चाहिए, कॉन्फिडेंट आपने प्रतीत होना चाहिए। अगर आप सर, लोग आपके सानिध्य में पहली बार शुरू की है, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ग्रेट, ऑसम। यस लास्ट ऋषि जी, आपका कैसा था अनुभव? सर बहुत अमेजिंग अनुभव था एंड बहुत अच्छा एक लर्निंग कर्व भी था हम लोग के लिए, एंड ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है दैट सर वी विल चेरिश दिस फॉर थ्रू आवर लाइव्स। अमेजिंग, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही सेशंस होते रहेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि महीने में 2 या हफ्ते में 1 करना है, और आप में से जो लोग अवेलेबल रहेंगे ऑफ कोर्स आपको चांस दिया जाएगा, क्योंकि अभी आप प्रो हो गए हो, आपने 1 तो कर लिया है, और आपके अलावा बाकी लोग भी आएंगे, जो आपने देखा था कि इंटरव्यू के दौरान कुछ 15-20 लोग आए थे, तो उनमें से बचे लोगों को भी हम एनालिसिस का मौका देंगे ताकि उनकी भी जो एनालिसिस का स्किल है वो इम्प्रूव हो जाए। मीनवाइल थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस, जॉइनिंग दिस एंड डूइंग द फैंटास्टिक एनालिसिस। आप सभी लोग बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हो, विद द टाइम यू विल इम्प्रूव, यू विल गेट मैच्योरिटी विद इन योर वर्ड्स विद योर एनालिसिस एज वेल। और आप में से कुछ लोगों ने मुझको बहुत इम्प्रेस किया है, राजीव जी, ऋषि जी, प्रियंका, बबली, नलिनी जी और अंजलि एंड निशा जी, एवरीवन, एवरी सिंगल वन ऑफ यू हैव डन अ फैंटास्टिक एनालिसिस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय टू ऑल द व्यूअर्स एंड बाय टू यू ऑल एज वेल। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।